ए, एक स्टॉल क्या लगा लिया, खुद को मॉल का मालिक समझ रहा है? सारा सामान तोड़ दो। अरे नहीं भाई, दुकान नहीं हटाएगा यहाँ से, रुक, तेरे हाथ पांव तोड़ता हूँ। छोड़ो उसे, इन गुंडों ने बड़ी ये क्या हालत कर दी बेटा। सब कुछ तोड़ दो। इस धरती पर जब जब पाप बढ़ेगा, धर्म का रक्षक, न्याय का देवता एलेक्स पांडियन प्रकट होगा। बनियान पहनने के लिए। ए, मेरी तरफ देख रहा है। पिस्ता खाना जरूरी होता है। काट, काट। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, मैं एक चांस और दीजिए ना। एक डायलॉग भी नहीं बोल सकता, तीन दिन पहले इसके भेजी थी और राशन की लिस्ट पड़ रहा है। प्रोडक्ट तो डुबोएगा ही डुबोएगा, मेरी बनियान भी उतरवा देगा। कौन इस गधे को लाया ये नमूना? सॉरी सर, मैं सुबह तो प्रैक्टिस अच्छी की थी सर, मैं कर लूंगा। शाम खाना पीना तो तुझे याद रहता है, डायलॉग याद नहीं रहता? लड़की की एक हंसी सुनकर भाग गया। सुन ले हीरो, इससे पहले कि मैं कोई क्रिएटिव गाली दूं, निकल ले। ए, दूसरा एक्टर वो यही है सर। आजा जा, आजा। सर, सुपरस्टार तो आपके सामने है। मैं जानता था इस बंदर से नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं पहले से ही तैयार था। असली मर्द की पहचान, जो पहने पिस्ता बनिया। सर, सुपर सुपर सर, चल गंजू, शूटिंग शुरू करते हैं। टकला टैलेंटेड है, टेक करते हैं। शिवा, घर पर जा। एक लड़की की हंसी ने इस फ्यूचर के सिंघम को फटीचर चुइंगम बना दिया। इस फिसड्डी नायक का नाम है शिवा। फूलों की बारिश के बीच स्लो मोशन में एंट्री मारने वाला दूसरा हीरो है केके। देखने में लगेगा कि ये मंदिर के उत्सव में चीफ गेस्ट है। ये बिल्डअप इसके लिए नहीं है, बल्कि डेंगू से मरने वाले आदमी की शव यात्रा का है। जन्म से लेकर क्रियाकर्म, सात फेरे से लेकर जनाजा तक, हर तरह का पैकेज डील है। केके का इकलौता उसूल है, नो डिस्काउंट्स। रे हे, क्या कालिये मुंह छुपा कर खड़ा है, धूप में काला नहीं हो जाएगा? इसे बजा टुंपना सुनाई देना चाहिए। ये क्या फूक रहा है? फूक रहा हूं। मेले में 5 रुपए की पिपुड़ी मिलती है ना, ऐसी आवाज आ रही है, दम लगा के फूकना। पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं ना, सब डेड बॉडी छोड़ के आईपीएल का मैच देखने चले जाएंगे। चल शंख बजा रे। शांत गदाधारी भीम, शांत शांत। ए अजाम की दुकान, चमेली जैसा ठुमका लगा रहा है। नाचो लेकिन भूल मत जाना, बॉडी आ रही है पीछे। नाचो नाचो नाचो, ए नाचो, ए ढकर ढकर नाचो। अरे अरे नाचो नाचो, तुम लोगों को फिल्मों में गाने के पीछे जो नाचते ना, 250 रुपए पर डे उसमें बुलाऊंगा। चलो चलो आगे बढ़ते रहो, इतना जलने की जरूरत नहीं है दादी। उनको स्विट्जरलैंड नहीं ले जा रहे, उनके बगल में जो चीता है वहाँ तुम्हारी बुकिंग करा लेंगे, ठीक है? मैं गोमती के साथ रोता हूँ, तुम कलावती के साथ रहो। चलो पार्टनर ढूंढो रोने के लिए, जाओ जाओ। एक गोमती, आजकल तालाब में नहाने के लिए आती नहीं, आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए। क्या चल रहा है, तेरे बापू ने बाथरूम बनवा दिया? अच्छा ये तो बता। पीछे गुजरती हुई लाश की परवाह किए बिना केके लड़कियों पे लाइन मारने में मशगूल है। यही है केके का कैरेक्टर। लेट हो रहा है, जल्दी चल, कहीं वो फिर आ ना जाए। चल जल्दी। काव्या, what happened? तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? किसी ने इस पे इंक फेंकने की धमकी दी, उसने कहा वो आज यहाँ आएगा, इसलिए वो डरी हुई है। अप्रैल फुल किया रहेगा उसने। सिर्फ 1 अप्रैल की बात नहीं है, उसे हर फेस्टिवल में वो आके तंग करता है। कौन है वो, कौन से स्कूल में पढ़ता है? वो स्कूल में नहीं पढ़ता। तो क्या वो कॉलेज स्टूडेंट है? नहीं। फिर कौन है वो, बोलो। जो मुझे तंग करता था वो आ गया। छी, दिवाली की रात को हमारी क्लास टीचर पे गुलाल फेंका ना, यही है वो। अरे हाँ, क्रिसमस को प्रिंसिपल के घर के आगे पटाखे भी जलाए ना। इसका जुल्म अभी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, अगर कुछ लफड़ा हुआ तो मैं देख लूंगा। काव्या, काव्या मेरे साथ डेट पे चलो।
चुपचाप निकल यहाँ से, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है। स्कूल हो, कॉलेज हो, आईटी कंपनी हो, पावर पंगे लेने से बाज नहीं आएगा। अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। मेरे दोस्त ऑन द वे है फटपटी पे, अभी तुमको दिखाएंगे। ये चिकुट मेरे को धमकी दे रहे हैं। क्यों मुच्छड़ को परेशान कर रहे हो? उसको पूछो ना। सवाल स्टूडेंट को पूछते हैं, मासूम बालक को परेशान मत करो। ए भाई, ये लड़की को छेड़ रहा था। ये क्या सुन रहा हूँ? देखते ही पहले स्माइल करती थी, अब मुझे ठुकराती है। जो बहन, इसे देखकर हंसी तुम? करेक्ट है, पापा की शादी के एल्बम में इसका फोटो देखा था, मुझे लगा पापा का कोई पुराना फ्रेंड होगा ये। बस बस एसिडिटी हो गई और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जाओ 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 जाओ। क्या ये, उसके बाप की शादी में झाड़ू मार रहा था, अब उस बेटी को प्रपोज कर रहा है। चल चिपक के बैठ। तो ये अपनी बाइक को मर्सिडीज समझता है। तू लटक के बैठ। तू मुझे चिपक के बैठ। स्कूल का प्रिंसिपल तेरा जूनियर था ना, एकदम चिरकुट था, उसको प्रिंसिपल किसने बनाया? मेरे जाने मन तो यहाँ खड़ी है। ये है तीन बेस्ट फ्रेंड्स, इन रास्कल्स का जिक्र करना, इनकी सी ग्रेड हरकतें देख के उल्टी आने लगती है, खुद समझ जाएंगे। कभी नहीं सुधरेगा ये। अच्छा है, तोड़ो तो और तोड़ो, टुकड़े टुकड़े कर दो। तुम्हारे बाप की रिमोट्स की दुकान है ना, जो रोज लेके आएगा। छे, तुझसे अच्छे तो भिखारी है जो रोज 100 रुपए कमाते हैं। आपके पापा ने आपका नाम राजा रखा था और आप भिखारियों के पास बैठ के ये पूछते रहते हो कि वो कितना कमाते हैं। हा? क्या सोच रहे हो? आप यही सोच रहे हो ना, मेरा बेटा बदतमीज हो गया, झापड़ मारूं या नहीं? बकवास कर रहे हैं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक ही तो औलाद है हमारी, उसे खुश तो रहने दो। खबरदार, तुझे हाथ लगाया तो। मैंने हाथ ही कहाँ लगाया है? सुन लिया, इसके दोस्तों का बुलावा आ गया। कहाँ जा रहा है तू? अगर घर से निकला ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। सुनाई नहीं दे रहा? मना कर रहा हूँ ना जाने के लिए। बाथरूम जा रहा हूँ। बाथरूम तो उस तरफ है ना। ये कहीं नहीं जाएगा, मैं हूँ ना यहाँ पर, आप जाइए यहाँ से। बिगाड़ने वाली तुम ही हो, जो मर्जी आए वो करो माँ बेटे। अरे वाह, कुत्ते का चेन, अंकल पार्क में घुमाने ले जाते हैं क्या? अरे ये लेटेस्ट स्टाइल है डूड। ओ, सारा शहर सो गया है, उल्लू को स्टाइल दिखा रहा है। चल आजा। डेली एक ही जगह पर आकर बोर हो गया। ए ढीले, पिछले जन्म का पुण्य है जो ऐसी जगह मिली, ना बीवी ना बच्चे। अच्छा? और कोई नहीं, शांति से बैठ के पी तो सकते हैं। चल कहीं और बैठ के पिएंगे तो पुलिस पकड़ेगी। ले तू भी आ गया। क्या भाई लोग, सब कुछ ले आया ना? कहाँ अटक गया था, पेट में गुड़गुड़ हो रही थी क्या? नहीं, ऐसे हमारी पार्टी लेट करवा दी। चल अगली बार घड़ी आधे घंटे आगे रखना। ए चल, क्या कुत्ते जैसा पोज दिया। चल चल जल्दी आ जा। पीते ही 22 अप्सराएं सामने नाचने लगती है। अरे सुनना, बगल वाले घर में बहुत मस्त लड़की आई है यार। अच्छा, उसका नाम? हेलो, उसका नाम है प्रीति। 6 बजे कंप्यूटर क्लास जाती है। उसके डैडी रामचंद्र रेलवे में काम करते हैं। उसकी मॉम हाउसवाइफ है, एक छोटा भाई भी है। कब का हमने? अच्छा सुनना, वो जेरोक्स की दुकान में क्या मस्त लड़की काम करने आई है यार? उसका नाम बताओ? गायत्री। उसका और मेरा? शिक्षक। ए ये क्या कर रहा है? शिक्षक तुझे चढ़ गई है, बोल। ए उल्लू का पेट खराब होगा तो छींची मुंह में आएगी। ए ये झिंगुर क्या बोल रहा है? बॉडी लैंग्वेज समझना। ओ, इशारों की तो कोई डिक्शनरी आती नहीं है। ये जीती जागती बॉडी समझा नहीं पा रही है, मुर्दा बॉडी होती तो समझा देती। ये कंधे हिलाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सभी लड़कियों का। किसने? इस ढीले ने। मगर कैसे? ये बोलता है चकना खाने से पावर आती है। कोई लड़की इस झिंगुर से पड़ जाए मतलब उसको ज्यादा चाहिए। हमको मारोगे? बताओ पहले। मैं चाहे कुछ भी करूंगा, यू आर टॉकिंग टू मच। मेरा ससुर सर्कल इंस्पेक्टर है, एक फोन करूंगा ना तो 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। इधर आएगा क्या? अरे उसको बोलना मार्केट के रास्ते से आए, बोतल खाली हो गई है, दो और ले गए। और हाँ, चकने में चकले लाने को बोलना। ये मुंह क्यों बंद रखा है, मतलब उल्टी करेगा क्या? आता हूँ। क्या कर रहा है? जिसको भी बुलाना है बुला, तेरे मुंह का बबल फोड़ दूंगा। कौन है वो जो मेरे पति के साथ झगड़ा कर रहा है? कौन है वो? आधी रात में अपना शोर मचाते हुए शर्म नहीं आती? अरे ये जरा पकड़ो, क्या करोगे? हां क्या करोगे बताओ? अरे अरे मेरे हाथ को छोड़ो। सोने के कंगन चुराए हैं, वही तुम्हारी पुरानी वाली। कौन से सोने की चूड़ी थी ये? तुम्हें भी पता था क्या? पड़ता कौन सा सोने की लादोगे? चलो अंदर। अरे हमारा ढीला बदसूरत था, उसकी नाके ठीक ठाक थी, वो भी सुझा दी। ए मैडम जी, लेडी बाहुबली, कटप्पा को क्यों मारा? ए बदला लेंगे, पहले खाली बोतल फेंकेंगे, फिर छत से छलांग मार के उनको मारेंगे। अरे भाई इसे संभाल कर उतारो, देखो देखो कुछ खराब नहीं होना चाहिए, एकदम संभाल कर उतारो।
आया है? ये सूटकेस है या नारियल है? घर को मंजिल समझ के फोड़ रहा है क्या? चांद रख। नमस्कार, मैं बाजू के घर में रहता हूँ। ओ, खुद के घर में नहीं रहते क्या? अरे अरे अरे, मेरा मतलब है कि मैं आपके घर के बाजू में रहता हूँ। आप नए भाड़े पर आए हैं ना, इसलिए आपका हालचाल पूछने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है हम किराएदार हैं? मेरी ना मद्रास में चार चार कोठियां हैं। ये हमारा पुश्तैनी मकान है, कोई कब्जा ना कर ले इसलिए पति के रिटायर होते ही इसमें शिफ्ट होने आ गए। बहुत खुशी की बात है। आप यहीं पर रुकिए, मेरी पत्नी के हाथों से कॉफी बनवाकर आपको पिलाता हूं। कॉफी अपने बीवी से बनवाना, पड़ोसी से मत ले आना। आप तो बहुत काबिली हो। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अरे ये क्या बीच में पार्क करके रख दिया? नहीं पता नहीं। हाय, कैसे हो सब लोग? गली के नुक्कड़ पर ही राशन की दुकान है, कुछ भी चाहिए तो मंगा लेना। रही दूध वाले की बात, सुबह पानी मिलाएगा उसके बाद आपको दिया जाएगा। केबल तो बिल्कुल मत लेना, एक लंबी वायर अटैच कर देना, सारा कुछ फ्री में देखने मिलेगा। और न्यूज़पेपर भी मत लेना। न्यूज़पेपर की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी, 24/7 आप जो आती जाती रहेंगी। मैंने सोचा कि दोनों परिवार एक ही पेपर पढ़ लेंगे, बिल आधा आधा बांट लेंगे। अरे अरे, क्या तुम्हें भी डांस का शौक है? क्या बात करती है, कमर हिलाऊंगी तो भूकंप आ जाएगा। पता है जब बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है ना तो एक हाथ ठुमका लग जाता है। मेरे जेठ जी डांस मास्टर है, तुम आना ना डांस देखने। हाँ। अरे अरे, क्या कर रहे हो? ये नृत्य की कौन सी मुद्रा है? इन्हें कंफर्टेबल रखो। क्या भाई लो, कैसा है? कुछ पता है ये पड़ोस में रहने के लिए कौन लोग आए? अरे ये किसकी फोटो है? ये वही है ना जो गाना गा के सुनामी ले आते हैं। सही कह रही हो, महान संगीत सम्राट पद्म कुलभूषण पंडित दीप सिंह कृष्णमूर्ति। सर, आपके गाने की तो मैं फैन हूँ, मैंने टीवी में देखा है, जरा गा के सुनाइए ना। प्लीज बुरा मत मानना, एंग्री ओल्ड मैन है, सालों से गाना नहीं गाया ना, गला जम गया है। हमारे पीने के अड्डे पर अपना कब्जा जमा रहे हैं, जहाँ से आए ना उसे वापस भेज दूंगा पार्सल करके। वो देखो स्कूटी, मतलब लड़की भी होगी। तुम स्कूटी भी चलाती हो? ना मैंने, ये तो मेरी बेटी की स्कूटी है, वही चलाती है। लेक्सी, हे, दोस्तों जैसे चकने वाले के बगल में दारू की दुकान, वैसे हमारे बगल में सुंदर लड़की आ गई है। मिस यूनिवर्स से भी ब्यूटीफुल है। छे, जाग गए जनाब, टाइम देखा है क्या? सारी दुनिया तैयार होके काम पे निकल चुकी है और ये महाशय अभी तक जमाई ले रहे हैं। एक मुर्गा भी रोज सुबह 4 बजे उठकर बांग देता है। मुर्गे को भर के 4 पैक पिला दो, उसका बाप भी बांग नहीं दे पाएगा। क्या दिया है? डुप्लीकेट शराब हो तो एक बार क्या कुसूर कर रहे हो? आपकी बात में दम है। ये बात करने का कौन सा तरीका है नालायक? ए, ये बताओ तुम सुधरोगे या फिर नहीं? सिर में भेजा है या फिर खाली है? अच्छा बताओ, ये केबीसी का सवाल था क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दो में से एक चुनना। कल्याण, अपने भाई को समझाना, ये तीनों हमेशा आवारा गर्दी करते रहते हैं। क्या ये कह रहे हैं वो सही है? नहीं तो अगर पापा को बता दिया तो वो तुम्हारी खाल खींच लेंगे। और केके, तुम्हारे मन में बड़ों के लिए सम्मान नहीं है क्या? डर तो बहुत है, भाप बन के उड़ जाते हैं। खोल के सुन लो, अगर तुम लोगों ने होशियारी की ना तो सीधे कमिश्नर से शिकायत करूंगा। मैं जाकर शिकायत करूंगा। चल
सौम्या जल्दी से नहा ले। हाँ जा रही हूँ। टप्पू क्यों बिल्ली की तरह रास्ता काट रहा है? अरे जाके डांस क्लास के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढो। सुबह से पेपर पर चाट जाओगे क्या? एक बाहर से घर में आता नहीं और दूसरा महाराजा की तरह सिंहासन से चिपका रहता है, कोई काम क्यों नहीं करते? अरे वही सोच रहा हूँ, क्यों ना क्लासेस के बारे में विज्ञापन दे दे। सोचने के लिए पूरा दिन पड़ा है, जाओ। घूरो मत, जा रहा हूँ। हाँ? ये भी ना बोल बे। क्या हो रहा है? खिड़की से स्कूटी पे ऐसे नजर रख रहा है जैसे दुश्मन देश पे रख रहा हो। 24/7 का सीसीटीवी बन गया तू है? अरे हेलो, खाएगा पिएगा या देख के ही पेट भरेगा? खाना भी खिड़की से भिजवाऊं क्या? अबे चुप कर। अरे कड़क धूप है यहाँ, काला हो जाएगा। तेरे लिए खिड़की की ठंडक ही बेहतर है, वही आँख सेकता रहे वही तेरे लिए अच्छा है। अपनी साइड सीन कंटिन्यू रख, तुझे 10 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। अरे अरे, दारू साथ में सुट्टा साथ में, मगर प्यार मोहब्बत अकेले ही करनी पड़ेगी। अरे वो लड़की यहाँ पे है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है? लड़की ने फिर से घर बदल लिया क्या? अरे नई शर्ट पे 100 रुपए खर्चे हैं यार। बात सुन, घर मत आना। पावर के पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं भी वहीं जा रहा था, तू भी जल्दी आ जा। अरे सुन सुन, ओ, ओ। मर जा। ढीले के पापा बीमार है। मुंह खोल के सोने में कितना अच्छा लगता है। काका, अभी तक टेक ऑफ नहीं हुए क्या? मुझे तो लगा जैसे आपकी टिकट कट चुकी है। क्या सोच के बोल रहे हो, अभी मेरी उम्र क्या है? इतना दम है कि हिमालय की तपस्या कर चुका हूँ। काका, आपने हिमालय की तपस्या की होगी लेकिन बोर्डिंग पास तो फट चुका है। यमराज के दूतों को गुस्सा मत दिलाओ। यमदूत का हिसाब किताब छोड़, तू क्यों आया ये बता। आपके टपकने की बात की तो कान पे ताला लगा लिया है। ढीला की दर है ढीला ये। बच्चे खिलौनों की तरह बाल के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। दोनों को दो दो विक दिलवा दो। ए काका, आपके तो बुढ़ापे में भी बाल है, तो इनके जवानी में क्यों चले? अरे लड़कियों के देखकर सारे बाल उड़ गए। ए ढीले ढीले, सुन 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 सुन, विक दे देना वरना कुत्ते इसके पीछे पड़ेंगे और टकले पे डिजाइन बनाएंगे। तू नहीं ले लेना। नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा। अरे पापा ये तो छोटी है, मेरा आधा टकला भी नहीं ढक पाएगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, टकला जाए उससे अच्छा सफेद बाल वाली विक पहन के जाना, हीरो लगेगा। सर से ज्यादा बाल तो हाथ पे, इधर शेव करके टकले पे चिपका। ये चल चल चलना। अरे चलना। बाय। आंटी मैं मंदिर जा रही हूँ। क्या बताने वाला था तू? अरे आज सुबह शिवा का फोन आया था, उसने बोला तेरा बापू बीमार है। क्या बात कर रहा है, भला चंगा तो था? यही तो पता लगाना है वो झूठ क्यों बोला। उधर देख, ए शिवा उसका पीछा कर, आज उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। ऐसा क्यों? पहले तू बोल। ए, दोस्ती का मतलब मालूम है? दोस्ताना नाम की दो फिल्में बन चुकी है, समझा तू? शोले में जय और वीरू ने अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी, वही तो है असली फ्रेंडशिप। ए, शोले के जय वीरू तेरे लंगोटे यार है क्या? ए,
इसने झूठ बोला कि तेरा बापू बीमार है, वो पूछना क्यों बोला? ए, क्यों बोला मेरा बापू बीमार है, जवाब दे। तुम लोगों का मेरे घर आना ना, मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, हम सालों से तेरे बापू को पसंद नहीं है, फिर आज ही अचानक उनको कांटे क्यों चुभने लगे? तू कब से अच्छा बच्चा बन गया? देख, साफ साफ बता रहा हूँ, सामने वाले घर में लड़की आई है, तुम लोग गली में आके उल्टी सीधी हरकतें करोगे ना तो ठीक नहीं होगा। अरे भाई, लड़की लंबी हो या नाटी हो, हर किसी एक लड़की पे हम लोग ने साथ में लाइन मारी है कि नहीं मारी है? अचानक से शराफत का पौधा कहाँ से उगाया? ए, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा क्या? इसमें गलत क्या है? वो लड़की तेरी रिश्तेदार लगती है क्या? उससे भी बढ़कर है, मेरा प्यार है। मैं उसका लवर हूँ। पैसा वसूल। ये बात पहले बतानी चाहिए ना। अच्छा सुन ना, देख यार, मेरी मदद करके किसी तरह सौम्या के साथ मेरी सेटिंग करा दे। लव गुरु का काम करते करते मैं बोर हो गया हूँ, गुलमर्ग में गाना गाने का मेरा भी मन कर रहा है ना। ये तू क्या बोल रहा है यार? सौम्या के साथ शादी करूंगा, छोटे छोटे 8 बच्चे करूंगा। अबे ओ, प्यार करना है ना तो बातों से कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए चाहिए सूरज, शक्ल, अकल, बॉडी, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। खामोश, तुमने जो यहाँ क्वालिटी सुनाई है उसके हिसाब से मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, वो पावर की बनेगी, चैलेंज है मेरा। ये कर गया क्या? ब्रेन्स है, एक्सपीरियंस है, ब्यूटी है और फिर सॉलिड बॉडी भी है बॉस। कुल्हाड़ी दे इसको, काटता हूँ। लड़की पटाना कोई लंगड़ी खेलने वाला गेम थोड़ी है। अरे यार, तेरे मेरे बाप की उम्र से सिर्फ 100 ग्राम कम है और लड़की पटाने चला है। तेरा गुरु ज्ञान तू अपने पास ही रख, उस लड़की के साथ शावर लेने का पावर सिर्फ ये पावर रखता है, एक झलक में पटाऊंगा। अरे प्यार करने वाले पहले रोज अंडरवेयर बदलना तो सीख, प्यार करने निकला तेरी इज्जत है। एक लड़की के लिए हम तीनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तीनों ट्राई करेंगे, जिससे वो लड़की पट गई ना, बाकी दोनों साइड हो जाएंगे। पावर, हाँ ठीक है, इज एवर रेडी। सौम्या, मद्रास में लड़के वालों ने तुम्हारी कुंडली मंगवाई है, भेज दूँ? आंटी सुन ले, अगर तेरी माँ जिंदा होती तो कब से तेरी शादी हो चुकी होती, मैं ही फूल हूँ जो तुझसे पूछ रही हूँ। ओफो, लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़के को देखेगी और उसके बाद दोनों मिलके डिसाइड करेंगे, ये कुंडली मुंडली बहुत बोरिंग सिस्टम है। अरे वाह, लगता है दीदी का इरादा अरेंज्ड के बजाय लव मैरिज करने का है। कौन ये लव करेगी? घर से मंदिर और मंदिर से घर, यही बोरिंग लाइफ है इसकी। आंटी, सक्सेसफुल मैरिज के लिए दो रिश्तों का निभना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक इन-लॉज के साथ और एक हस्बैंड के साथ। अब इन-लॉज को चूज करने की फैसिलिटी तो गॉड ने हमें दी नहीं है, पर जहाँ तक हस्बैंड का सवाल है वो तो हम चूज कर सकते हैं। जिस आदमी से मैं शादी करूंगी ना, उसका कैरेक्टर अच्छा होगा और एम्बिशियस होगा। अरे भाई जल्दी चलाओ, लेट हो रहा है, हमें घर पर उतार देना और मेरा पति तालाब के पास खड़ा है, उसे भी जाकर लेकर आना। ठीक है टप्पू, इधर आ, तेरे फेवरेट बिस्किट्स और चिप्स लेकर आई हूं। इसमें ग्रीन कलर का क्या है? लच्छी को लॉलीपॉप समझ के खा मत जाना, कान से धुआं निकलेगा। आप कुछ और लेके आए हो क्या? अरे ठीक से ढूंढ, उसी में है। आंटी, लेक्सी मिल नहीं रहा है। वही होगा जहाँ तुमने बिठाया था। लेक्सी, मैंने पूरा घर छान मारा, कहीं भी नहीं है, वो खो गया है। क्या कह रही है, इसने तो मेरा जीना आराम कर दिया है, तू क्यों मेरी जान खा रही है? लेक्सी कहाँ गई होगी, तू बाहर जाके देख और तू उस तरफ जाके देख। लेक्सी, 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 कहाँ होगी पता नहीं। सुनिए, क्या हुआ? डॉगी, क्या हो गया बताइए ना? डॉगी खो गया है। सुनिए ना, क्या हो, क्या गया है? बहरे हो क्या? कहा ना लेक्सी खो गया है। क्या कहा? वो ब्राउन कलर का पोमेरेनियन, वो आपका था क्या? अरे अभी अभी दो लोग उसको उठा के ले गए। आप घबराइए मत, मैं अभी लेकर आता हूँ उसको। मैं जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। लेक्सी को ढूंढते ढूंढते तो मेरी जान निकल गई। लेक्सी, चुप हो जा सौम्या, हर जगह तो ढूंढा हमने लेक्सी को, मिल जाएगी, चुप हो जाना आप। ए, कमान कमान, वेरी गुड, तू ही लगाएगा मेरी नैया पार। लेक्सी सुनिए, लेक्सी, लेक्सी, ओ, ओ, लेक्सी घबराइए मत, ये बिल्कुल ठीक है। कितना मिस किया तुझे मैंने। वो तो अच्छा हुआ रेलवे का फाटक बन गया, ठीक तो है, वरना वो लोग तो कहाँ निकल जाते पता ही नहीं चलता। और अच्छा हुआ मैंने बचपन में कराटे सीख लिया, उनको मार पीट के लेक्सी को बचा के उठा के लेके आया हूँ मैं, पता नहीं कैसे, पर हमारी लेक्सी को बचा लिया मैंने। थैंक यू सो मच। अरे अरे, ये थैंक्स वगैरह बोल के पराया मत कीजिए मुझे आप, मेरा नाम शिवा है, सामने वाले घर में ही रहता हूँ। इतने प्यार से पाला हुआ डॉगी खो जाए तो दिल पे क्या बीतती है, वो एक डॉगी पालने वाला ही समझ सकता है। आपको जो मदद चाहिए ना मुझसे कहिएगा,
मैं हमेशा रेडी रहूंगा। मेरा नाम शिवा है, सामने वाले घर में रहता हूँ। सुनिए ना शिवा, सामने वाले घर में। अरे बेटा शिवा, रिपीट क्यों कर रहा है? बोलते बोलते तेरी कैसे अटक गई क्या? जो भी हो, तुम हमारी लेक्सी को घर तक लेके आए, इसके लिए थैंक यू बेटा। शुक्रिया वाली कॉफी लेकर आती हूँ, पी के जाना। ओ, नहीं नहीं, थैंक यू। अरे मीठी कॉफी, जहर थोड़ी डालूंगी। तकलीफ क्यों करती? अच्छा, अरे आंटी कह रही है तो मान लो ना। अच्छा हुआ मान गया। एक काम कर, दुकान पे जाके एक पैकेट दूध, एक पैकेट कॉफी पाउडर और शक्कर लेकर आ जा। आ तू चुप कर। अरे शिवा है अपना पड़ोसी, इससे कैसी फॉर्मेलिटी? हम सब एक ही फैमिली मेंबर जैसे हैं, ये क्यों बुरा मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, है ना बेटा? शिवा इधर आ बेटा, आ जा। सर में क्या घास उगा के आया है तू? चल जल्दी लेकर आ, चल। ए जले हुए गुलाब जामुन, कितनी बार बोला है घर को ऐसे वैसे मत रखो, एक बार तुझे ही भंगार के भाव में बेच दूंगा। ए पप्पू बाथरूम में नहाने के लिए रख दे जा। ठीक है। जितनी मिठाई बची है सब कुत्ते को दे दे, कुत्ते नहीं खाएंगे तो दोपहर को हम खा जाएंगे। हाँ डियर केके। अरे उजड़े चमन, बासी मिठाई खाने के लिए आ गया ना? अभी उसको कचरे में डालने के लिए बोल देना यार। तुम्हारी सड़ी पुरानी मिठाई खाने के लिए यहाँ आया हूँ? तो फिर मेरे दरबार में क्यों आया है? प्रजा का कोई काम नहीं है। यहाँ नहीं आया, सामने पैसेंजर को लेने के लिए आया हूँ। वो कौन है? लगता है उस डॉगी को बहुत जोर से सुसु आई है। केके वो योग की मुद्रा है। अरे शिवा के सामने जो फैमिली आई है उसी फैमिली का पार्सल है क्या ये? वो सौम्या नाम की लड़की है ना, उसके ताऊ जी हैं। लाइफ सेट हो गई। सोच रहा हूँ कि सौम्या से शादी करके अपनी लाइफ सेट कर डालूं यार, फिर ये घटिया धंधा छोड़ के A1 धंधा करूंगा। क्या बोलता है, उसके साथ जोड़ी जमेगी ना? हाँ क्यों नहीं, जोड़ी नंबर 1 रहेगी। तू टेंशन मत ले, सौम्या के फुल डिटेल्स मेरे गंजे खोपड़ी में है। क्या वो सुबह के टाइम पे कंप्यूटर क्लास या टाइपिंग क्लास में जाती है क्या? ना, घर से मंदिर दिए जलाकर बैक टू पवेलियन। तो उसके मन का दिया कैसे जला? अरे उसके ताऊजी है ना महान संगीत सम्राट पंडित भीमसेन कृष्णमूर्ति, तू उनसे संगीत सीखने का नाटक कर और सीधे घर में घुस जा। चमकते चांद, तू मेरे दिल की धड़कन है, ये ले 500 रुपए, पुराना नोट है लेकिन तू सही निकला तो नया नोट दूंगा। मुझ पे भरोसा नहीं है? अपनी मरी हुई नानी की कसम, मैं दोस्तों को दगा नहीं देता। लिख के रख ले, प्राण जाए पर वचन न जाए। सच कह रहा है। ये ले 500 का कड़क नोट। ये दूसरा नोट कहाँ से आ गया? रिश्वत है क्या? तू मेरे कैरेक्टर पर शक कर रहा है? मेरी 90 साल की परदादी की कसम, मैं दोस्तों को दगा नहीं देता। लिख के रख ले, प्राण जाए पर वचन न जाए। किसी तरह सौम्या से टाका भिड़ा दे, तू ही एक मेरा भरोसा। 100 टका अच्छा है तेरा। ओके भाई, मीटर डाउन है। पूजा की थाली और फ्रूट्स मिला के 200 रूपए डबल दूंगा। पैसे किसने मांगे? गुरुजी मुझे शास्त्रीय संगीत सीखना है, अपना शिष्य बना लो। जो भी मुझे बताया उसकी पहले फोटोकॉपी निकाली और उस ढीले को भी दे दी। अपनी नानी की कसम खाई, प्राण साहब के डायलॉग मारे। सोचो तो, सिर्फ म्यूजिक सीखने की बात की और गुस्सेल बंदर ने थाली फेंक दी। इधर आ। ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, प्रॉमिस। टकले, तेरी जेब नोटों से भर दूंगा, बस किसी और का मत बताना यार। मेरी ईमानदारी पे शक कर रहा है? मैं अपने जिंदा बाप की कसम खा रहा हूँ। सब ईश्वर की लीला है, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। इतना मधुर संगीत है? कहा है? वो कौन है जिसे नृत्य का शौक है? कहा है वो? सुबह से नाच रहा है, एकदम कमल हसन की तरह डांस करता है। अरे वाह वाह वाह, अमर देखो वो आ रहा है। उत्तम, अरे वाह वाह वाह, सुपर। क्या बात है, आ जा इधर आ जा। ये ले। नाच नाच के चूर हो गए हो, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? अश्रु क्यों बहा रहे हो?
इस गरीब को कोई अपना शिष्य बनाना नहीं चाहता है। फिर भी इतना अच्छा नृत्य कर लेते हो, आज तुम्हें अपना गुरु मिल गया। किसकी बात कर रहे हैं? ठीक से देखो, तुम्हारे समक्ष खड़ा है गुरुजी। शिष्य मन प्रसन्न हो गया, अद्भुत नृत्य लगा, स्वयं नटराज धरती पर उतर कर आ गए। कल सुबह से ठीक है, आशीर्वाद दीजिए। इतना कष्ट क्यों उठाते हो? नटराज यहाँ विराजमान है, ये पावन जगह है। कल से मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूँगा। मैं प्रातः काल 9 बजे तुम्हें यही मिलूंगा। हैं? बिना गुरु के इतना कुछ सीखा, कमाल है। 5 साल से मैं संगीत को भूल गया था, अब तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर मेरा मन बदल गया। ये तो मेरा सौभाग्य है। रास्ता गलत हो वो चलेगा, लेकिन इंसान का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। मुझे जीवन का लक्ष्य मिल गया। गुरुजी, मैं आपसे संगीत सीखना चाहता हूँ और आप ही की तरह महान गायक बनना चाहता हूँ। छोटी सी बात को इतना लंबा क्यों खींच रहा है तू? इनके जैसा बड़ा बनना है ना तो कुर्सी पे बैठ के 4 बार खाना खा। गाना आए या ना आए, सांड जैसा फूल जाएगा, है ना? ये बिना ब्रेक की ट्रेन कौन है? मेरी धर्म पत्नी, इज्जत से पेश आ। प्रणाम, आप सबका थैंक यू। फ्रूट्स काले पड़ जाए उससे पहले थाली रख लो। लीजिए ना। ठीक है, प्रणाम, आशीर्वाद। गलत है, मेरी हवा निकल गई। तुम थोड़ा यहीं पर वेट करो, मैं भगवान का दीपक जला के आता हूँ। ये सब अंदर ले जाओ, मैं ये सब फ्रिज में रख के आती हूँ। अच्छा बेटा, तेरी बहन किधर है? टप्पू जरा इधर आ। आ रहा हूँ दीदी। अरे तू मत जा, तेरी दीदी को यहाँ बुलाना। अरे रुकना दीदी, बोल मत, तेरी चर्बी कम हो जाएगी, बोलना ही मत। कुछ नहीं कर मेरे साथ, गाड़ी चुप दीदी। तुझे ले जाऊंगा ऊपर, मत जा दीदी। रुक जा दीदी, मैं जाऊंगी दीदी। ये सब क्या हो रहा है दीदी? मुझे नहीं छोड़ रहा था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और क्या कर रहे थे टप्पू के ऊपर बैठ के? ये वही लड़का है जो तुम्हारे चाचू से गाना सीखने वाला है। देख बेटा, टप्पू से 10 फीट दूर रहना, भूकंप है पूरा। अरे नहीं, छोटा है, मेमना है, मेमना। गुड बॉय। मेमना लग रहा है तुझे? अरे इसकी हिस्ट्री तू जानता नहीं है? एक जमाने में तेरे गुरुजी की आवाज कैसी थी तुझे क्या बताऊ बेटा। आवाज सुनाने के बजाय बैग क्यों दिखा रही है? बिना बैग दिखाए फ्लैशबैक में जाना मुश्किल है। महागणपतिम श्री महागणपतिम रिजरि जरि जरि जनि जरि 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 ज महागणपतिम क्या कमाल की प्यारी आवाज थी। सड़क पर खोदने वाली मशीन जैसी कैसे बन गई? उन बीती यादों को क्यों कुरेद रहा है? मैं बताती हूँ तुझे, एक दिन घंटों रियाज करने के बाद सोफे पे आके जो गिरे। माँ, क्या हुआ टप्पू, क्यों चिल्लाया? ये पप्पा बकरे की तरह मैं क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि जल्दी बताओ, बहुत ज्यादा रियाज करके गले में कचरा भर गया है, इसीलिए सोने के बाद ऐसी आवाज आ रही है। अब बस कर टप्पू, और सवाल मत कर, तू बाहर जाके खेल। हा? जा, ओ, जा। तो ये बात है, टॉयलेट गंदा होता है तो माँ इस एसिड से साफ करती है। देखते हैं कचरा साफ कैसे होता है। अरे रे रे, क्या कर रहा है तू? टॉयलेट साफ करने वाले एसिड को गले में डाल दिया। ए जी, क्या हो गया आपको? उठिए ना, उठिए। टप्पू, इन्हें तंग मत करो, चलो। यही हुआ था उस दिन, बच्चे माँ बाप का सहारा होते हैं, लेकिन ऐसी औलाद हो तो लाइफ का सत्यानाश हो जाता है। ए, उसके हाथ में किसने कटोरा दिया? उसे फेंक कर मारता है, भूल गई हो क्या? क्या कर रहा है टप्पू? आपको मालूम नहीं उसे जो मना करो वही वो करता है? आप तो चुप थे, वही अच्छा था। आजा कहीं की, तुमने अच्छा सा लगाया है, ऐसे तुम्हें मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा। आजा मेरे साथ, आजा आजा आजा। हाँ तो मैं तुम्हें कह रहा था। अरे शांत शांत शांत, गुरुजी के लिए रास्ता दीजिए। आइए आइए, कर रहे हो? स्वागत है आपका। अबे छोड़ दे इसे, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये सब आपके फैंस हैं गुरुजी। मेरे फैंस? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, लेकिन शिष्य नृत्य सीखने से पहले इतने फैंस? आपकी कृपा है। कोई बात नहीं, चलो चलो कक्षा आरम्भ करते हैं, आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, आओ।
बिन गुरु ज्ञान नहीं मिलता। सबसे पहले गुरु को नमन करना सिखाऊंगा। ठीक ठीक है। ऐसे हिरण बनाओ। ऐसे सुपर सुपर कमाल का है। खराब कर देंगे। अभी शुरू नहीं किया। हाथ को फैलाओ, कमर बिना झुकाए नीचे जाओ। अब तुम्हारी बारी। करो ऐसे। क्या बात है? शिफ्ट 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 शिफ्ट। हाथ से हिरण की मुद्रा बनाओ। हाथों को फैलाओ। ऐसे थई। गुरुजी पे ध्यान दे। थई। क्या हुआ तुम्हें? सुपर डांस चलो। अच्छा शुक्रिया। क्या कर रहे हो? थैंक यू। अच्छा ये सब आप कह रहे हैं? एक फोटो कर रहे हैं। फोटो खींचे। चलो मुस्कुराओ। क्या मुसीबत है? माफी गुरुदेव, क्या करूँ? फैन फॉलोइंग ज्यादा है मेरी। ऐसे फैंस? बाप रे बाप। चलो गुरु नमन से ऐसे शुरू करो। हेलो मास्टर, चलो वाला डांस दिखाइए ना। मास्टर क्या हुआ? अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुपरस्टार नाच रहा है। अरे सुनो शिष्य, यहाँ माहौल नहीं है, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है। जी जी, कल से मेरे घर पर। समझ गए तुम? बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। सक्सेस। दाल पकाने से पहले भिगोते हैं, वैसे ही आपने मुझे भिगो दिया। ए, ये शास्त्रीय संगीत का पहला सबक है समझे? कुछ गाने से पहले संगीत की एबीसी आनी चाहिए। माँ से शुरू करते हैं। माँ। ताल जो है पिता समान है। पा। सारे गामा पाधानी सा। ये सात सुर सात बालकों की तरह है। अगर सुर ताल आ गया ना तो इन तीनों को समझ जाओगे, फिर सही सुर अपने आप निकलेंगे। साथ में संगीता बिजला भी आएगी क्या? संगीत के साथ मजा नहीं, 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 मजाक मजा करता, करता है। मार दूंगा मैं तुझे। एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगा। वन टेक में याद रखना पड़ेगा। मैं अंदर जाके आता हूँ, तब तक पानी में बैठ के प्रैक्टिस करो। ये रखो और जगह खाली करवा कर सेटल कर दो सब कुछ। तो मैं निकलूं ना? हाँ, पतली गली पकड़। हाँ ठीक है भाई। मेरा गृह प्रवेश हो रहा है, कौन सा पैर आगे रखूं, दाया या बाया? मेरी अर्धांगी नहीं दिख नहीं रही। ये किटली जैसे मुंह वाला यहाँ क्यों आया? चुप। अश्लील हरकतें करने वाला मर्द चाहे खौलते पानी में नाले, सौम्या सिर्फ मेरी होगी, मेरी। चाहे कितने भी भाड़े के कपड़े पहन ले, सुलभ शौचालय के बाहर सिक्के इकट्ठा करने वाला लगता है। छी जाना। ये कैसी आवाज? प्रणाम गुरुदेव। रुक क्यों गए? आगे आओ। नमस्कार मास्टर। कोई है? आके थाली ले जाओ। मुझे फूल नहीं, पूरा गुलदस्ता चाहिए। हेलो। एक्सक्यूज मी, एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आपसे। सभी लोग केला एप्पल पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे हैं, जैसे हमारी लड़की देखने आ रहे हो। वही अगर शाम को चखने वखने का बंदोबस्त हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। परंपरा है ना, इसलिए लेकर आया। तो तुम तैयार हो? आज फिर गुरु नमन का अभ्यास करें। एक अलादीन का जिन, दूसरा चार्ली चैपलिन। व्हाट अ कॉम्बो। ऐसे हिलना नहीं है। थाई। थाई। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। थाई, थाई। थाई, थाई। 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 ता 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 थाई। इतना घटिया डांस देख के ये पानी गरम क्यों हो रहा है? ओ, गीजर गरम हो गया। चलो सुसु कर लेता हूँ। बेटा मास्टर, तुम चाहते हो मैं जिंदा रहूं? मास्टर जी, तो मैं अभी थक गया हूं। हाँ जी बिल्कुल। अंदर जाकर कॉफी पीना है। आराम से बेटा, आराम से। अरे टाइल्स पुरानी है, सस्ती भी। आराम से। ए, इतना शांत क्यों है? प्रैक्टिस करना। राम ढले गगन ढले, पता नहीं ये किसने लिखा होगा।
पानी नमकीन सा क्यों है? नहीं मुझे नहीं पता, शायद मिनरल वाटर होगा। ये जोकर कौन है? तुम हो? हाँ जी। यहाँ कैसे पहुँचे? डांस सीखने आया हूँ। मेरे भाई की टीम में चले गए। एक काम करो, यहाँ पर प्रैक्टिस करो। जाओ जाओ। गुरुजी, मेघा राग क्या होता है? ये बहुत कठिन राग है, लेकिन तुम्हारे गले में कशिश नहीं है। शास्त्रीय संगीत सीखने में उम्र निकल जाती है। एक काम करो, तुम लोकगीत गाना सीखो। गुरुजी, मेरी औकात के हिसाब से ठीक ठाक सिखा दो। पहली बार तुमने समझदारी की बात की है। मुँह खोलो। नाक यूं पकड़ी है, मानो मुँह में सुतली बोम घुसे रहे हो। आराम से कटक जाओ। अच्छा गुरुजी, आपकी सुहागरात का बचा हुआ दूध था क्या? टेस्ट अलग है। गधे का दूध है। मैंने गधे का दूध पिया। चुप हो जा, ये तुरंत असर करेगा। लोक गीत के लिए एक और चीज है, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुअर का दूध। अब तक हाँकने की प्रैक्टिस करो। अरे रुकिए, फ्री में मजे ले रहा है। लगता है एलपीजी सिलेंडर फटने वाला है। बेटा क्या है? क्या कर रहा है बेटा? पेंसिल शार्प कर रहा हूँ। थोड़ा संभल के, अंकल नाच रहे ना, उसको लाल लाल बड़ा वाला फोड़ा हुआ है, कहीं फूट न जाए। हवा निकल गई। यहाँ तो ऑटो का कोई आता पता ही नहीं है। आंटी, आप इस तरह बाहर क्यों खड़ी हैं? अब क्या बताऊँ तुझे, ये टप्पू है ना, सुबह से बिरयानी खाने की जिद कर रहा है। और देखो ना, गैस खत्म हो गई। कब से ऑटो देख रही हूँ, वो भी नहीं मिल रहा है। तुम्हें बिरयानी कहाँ मिलती है पता है ना शिवा? कहाँ मिलती है पता है? अरे आप सीधे जाएंगी ना, वहाँ से लेफ्ट लीजिए, वहाँ एक गोल चक्कर आएगा, उसके बगल में ही सेल्वम थिएटर है, वहाँ ही मिलेगी। अरे वाह, तुझे तो सब कुछ पता है। जाना जरा जल्दी से जाके बिरयानी ले आना, अच्छी बनाना, उसको बोलना थोड़ी तीखी बनाए। टप्पू को सिर्फ लेग पीस पसंद है, याद रखना। चल अब जल्दी से अपने लेग बढ़ाओ, लेग पीस लेकर आ, जल्दी आना। अरे यार, किसी ने देख लिया तो बहुत हंसेगा। हेलो, इधर क्या कर रहा है? हाँ बोलना भाई। इस मोबाइल में तो आउटगोइंग था ही नहीं, बात किससे कर रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। में जो अच्छा सुनना, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अरे भाई बहुत ही बढ़िया है। ए, रुक जाओ यार, रुको रुको रुको, ये मेरी है, ये मेरी बिरयानी है, रुको। अरे क्या तेरी? अरे है, मुझे वहाँ कचरे में मिला तो तेरा कैसे होगा? सुन मेरी बात, ये मेरी मेरी बिरयानी है। दिमाग खराब मत कर, तू यहाँ से जा। और खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। तू जाएगा कि नहीं? ए, समझा करो यार, प्यार का सवाल है। अबे ये तो लव मैटर है, आज का जो कलेक्शन है उसको दे दे। प्लीज समझो ना मेरी बात भाई। ये लो भाई, जा जाके ऐश कर। लव के नाम पे तूने इमोशनल कर दिया। प्रैक्टिस करता रहे आराम से। अरे जल्दी आना, कितनी देर लगा दी तूने, भूख के मारे जान निकल रही हम लोगों की। हाथ को फैलाओ, जंग लगा है। अब नीचे ऐसी जाएंगे चेहरे में से। अरे तू नीचा, तेरे लिए सरप्राइज है। ग्लास धोके उल्टा रख देते हैं, वैसे ही उल्टा कर दिया, सीधा हो जाऊं क्या? पूरे शरीर का खून सीधे तुम्हारे भेजे तक पहुंच जाएगा, थोड़ी बहुत गाने की अकल आ जाएगी। बहुत बढ़िया, सुर पकड़ रहा है। अरे क्या कर रहा है? ठीक से खड़ा हो, ठीक से खड़ा। गुरुजी ठीक है, मैं तेरी वजह से नृत्य भूल जाऊंगा। अरे क्या है, बिरयानी का टेस्ट बहुत अलग लग रहा है। टप्पू आ जा, बिरयानी खा ले। टप्पू, सौम्या आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं खिलाता हूँ ना इसे। ओके थैंक्स। अभी देख मैं गाना गाता हूँ। मैं थोड़े से राइस और करी लेकर आई थी। ये क्या, तुमने खाना भी शुरू कर दिया? तुम लेट हो गई। चिकन बिरयानी एक नंबर है, थोड़ी टेस्ट करो ना। नहीं नहीं नहीं, हम वेजिटेरियन हैं, हम नहीं खाते। अंडा ले जाती हूँ और ये भी ले जाती हूँ। रख के जाओ, हम लोग खा लेंगे। ठीक है, खा लेना, खा लेना। अच्छे से करो, अच्छे से करो। नहीं सीख पाएगा बेटा, नहीं सीख पाएगा। पूरी अरे संगीत विशारद, अगर तेरी भतीजी मेरी बीवी नहीं बनी ना, तो तू गया। चल बोल थैया थैया थैया, ठीक से खड़ा हो, हाथ ऐसे। ए बुढ़े नचनिया, तेरी बेटी मेरे हाथ नहीं लगी ना, तो तेरे हाथ काट दूंगा।
कोई और होता ना मुंह पे झापड़ मारता उसके मैं, मगर तूने ही तो अपनी बहन का कन्यादान करना है मेरी शादी में। अयो क्या चाहिए? चाय देना। चाय मिलेगा पर पहले का उधार चुकाओ। आराम से बैठ के पेपर पढ़े हुए कितने दिन हो गए यार, प्यार की खातिर किडनी कुर्बान करने वाला दूल्हा। अरे सब्जी लेने भेजा था, यहां बैठ के अखबार पढ़ रहा है। अयो क्या मिमिक्री बहुत अच्छा करता है। तेरी भी कर सकता हूँ, चल जल्दी चाय दे। लाइट दो या स्ट्रांग? लाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, अदरक डाल के देना वरना ये गधे की आवाज गधे जैसी लगेगी। मैं नहीं कह रहा, ऐसा पेपर में लिखा है, पेपर में। उसके बगैर सुर कैसे निकलेंगे? पावर आ गया, पावर आ गया। तो रेडियो ऑन करना, गाने सुन। मैं तुम्हारे फ्रेंड की बात करता। किधर? सुझा डाला। अरे रे, सुबह जाने के बाद धोना भूल गया। एक चाय। अयो पावर स्वामी, तुमको क्या हो गया जी? संन्यास लेने की उम्र है, डांस करेगा तो पैर का शेप धनुष जैसा हो जाएगा। ए, चाय कैंसल कर दे मेरी। अयो रामा, ओ पावर, पावर जी, ये क्या किया? मेरे चाय का नुकसान करवा दिया। इतनी सी बात के लिए क्या टेंशन? मैंने जो चाय का ऑर्डर दिया वो भी कैंसल कर दे। यो, बनी चाय का ऑर्डर कैंसल। अच्छा सुनो यार, इन दोनों ने तो चाय का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मैं अकेला क्या पीऊंगा? मेरा भी कैंसिल कर दे। क्या तुम्हारा भी ऑर्डर कैंसिल? अयो स्वामी, आज मैं किसका मुंह देखा जे? पानी खराब हो गया जे। मम्मा ऑटो आ गया। रुको रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारे पापा मंदिर में हैं। जल्दी से ऑटो में जाकर बैठ जाओ। अरे जल्दी भागो। सौम्या, हम शाम से पहले नहीं लौटेंगे, थोड़ा ध्यान से रहना बेटा। ठीक है। अंदर से दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। हाँ। फ्रिज में खाना रखा है, गर्म करके खा लेना। और दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से झांक के देख लेना। ये लो पकड़ो। सौम्या नहीं आ रही है, ठीक नहीं है ना? किसी ना किसी को घर में रहना पड़ेगा ना। अब तो उसकी चिंता छोड़ और हमें लेकर चल, लेट हो रहा है। ओह, यानी ये घर पे अकेली है। अबे दिन में तारे गिन रहा है क्या? चल जल्दी, लेट हो रहा है। चलिए टेंशन मत लो लेक्सी, तुम देखना शाम तक ठीक हो जाओगी। हेलो। हाँ टकले बोल। जबरदस्त न्यूज़, सारे घर वाले मंदिर गए हैं। तो क्या करें? तो क्या करें? लेकिन सौम्या नहीं गई है। वो क्यों? अरे उसकी डॉगी को बुखार हो गया है, इसीलिए तुम्हारी सौम्या अपने प्यारे डॉगी की देखभाल के लिए घर पर है। देख सॉलिड मौका है, जाके लव का चौका मार दे। ए उजड़े चंद, मस्त आइडिया है ना? ए ये बात किसी और को बताई तो नहीं ना तूने? ये सोच भी कैसे लिया? अपने पड़ोसी की कसम, एक असली मर्द की जुबान है। भगवान भी आके पूछते ना तो उन्हें भी नहीं बताता, समझ गए ना? सुपर यार मुर्गन, इनाम दूंगा मेरे घर आना। तुझे इस खबर के बदले 5 कार वाली टैक्सी खरीदूंगा। थोड़ा सा तो खा लो। सौम्या। कौन है? सौम्या। शिवा। ये मेरे दोस्त हैं, वेटनरी डॉक्टर महादेवन। मैंने सुना था लेक्सी की तबीयत खराब है, कहाँ है लेक्सी? क्या हुआ ऐसे? नथिंग टू वरी, नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है, इंजेक्शन दे दिया है। शिवा इसका ख्याल रखना। ठीक है। चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स महादेवन सर। शिवा। हाँ बोलिए ना। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। सुबह से काफी टेंस थी, अब रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। अरे दिमाग से ही निकल गया, कॉफी पियोगी तुम? अरे अरे बिल्कुल नहीं। क्यों? पहले पूछोगे कॉफी पियोगे, उसके बाद बोलोगे दुकान से आधा किलो चीनी लेकर आओ, दूध लाओ, कॉफी पाउडर लेकर आओ। ऐसी तो मेरी आंटी की आदत है। कॉफी बहुत अच्छी है। रियली? आंटी ने कल बनाई थी, मैंने तो सिर्फ गरम करके दी है। बात करनी कैसे शुरू करूं? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। कोई जोक याद आ गया क्या? अरे वो कल क्या सपना देखा मैंने। ओह क्या सपना था? तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ? नहीं, आपके पापा और मेरे पापा में जबरदस्त झगड़ा हो रहा था। फिर आपकी आंटी ने मेरी मम्मी को जोर से डांट दिया। ये क्या सपना हुआ? पूरा मोहल्ला देख रहा था। और आपको वो भाई है ना टप्पू, वो इतना खाना खा के उठा और इतना बड़ा पत्थर लेकर मेरे घर पे फेंक दिया। और वो आपकी आंटी, वो तो मेरे पे खर्चा पानी लेके चढ़ गई। हौसली, लड़ाई की कोई वजह तो होगी ना? वजह थी ना, हम दोनों भागकर शादी करेंगे तो सब लोग झगड़ा तो करेंगे ही ना। शिवा। हाँ सौम्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बाकियों की तरह मैं सो नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ये सब झूठ नहीं बोलना चाहता मैं तुमसे, मगर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पर मैं
इतने दिन से तुमसे कैसे कहूंगा ये सोचकर तुम्हारी हेल्प कर रहा था। देखो सौम्या, तुम घर पर अकेली हो, मैं ज्यादा देर रुकूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैं चलता हूँ। मैं वो शिवा, कॉफी के लिए थैंक्स। मजनू, रोमियो, जूलियट, कौवा, कोयल, मेरा नाम तेरे साथ, तेरा नाम मेरे साथ लिया जाएगा, समझ गई ना तू? I love you, सोम्या। हाँ, नहीं नहीं पापा। Excuse me, थोड़ा थोड़ा, तुम्हें भी मेरे से प्यार होने लगेगा, वो भी बहुत ही जल्द। Bye। केके। हाँ? तुमने ये लेटर दिया, पर ये तो खाली है। प्यार को लफ्जों में नहीं, दिल से महसूस किया जाता है ना? तो दिल से आवाज आई कि मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ। तो आई लव यू, लव यू सौम्या। आपने 5 बजे बुलाया था ना, मैं तो 4 बजे ही आ गया था। मैं तो 1 घंटे पहले ही आया गया सुबह से। भले 1 घंटे पहले आया लेकिन 2 नंबर करके आया ना, तो उन्हें 5 बजे आने को बोला ना, तो तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ। ओवर एक्टिंग तो बंद कर दी है ना, इसलिए 5 बजे पहुंच गया। कुछ तो बोलो, सिंगिंग कंपटीशन में एलिमिनेशन राउंड से पहले साइलेंस होती है, वैसे ही साइलेंस मत रखो यार, जो बोलना है बोल डालो। तुम ही बताओ मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे प्रपोज किया, कुछ जानते भी हो मेरे बारे में। ऐसे क्यों बोल रही है सौम्या, आपको जो पसंद है ना वो मैं जानता हूँ। आपका फेवरेट फूड है सांबर में चावल डाल के खाना। तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक। आपके फेवरेट भगवान है साई बाबा। तुम्हारी फेवरेट पिक्चर हम आपके हैं कौन। इन दोनों ने तुम्हारी पसंद बताई, अब तुम्हें क्या नापसंद है मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये चेक शर्ट वाला तुम्हें नापसंद है, घुंघराले बाल वाला तुम्हें पसंद नहीं, रोड पे थूकने वाला तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। तेरे मुंह पे थूकूंगा ना, यहाँ केबीसी खेल रहे हैं क्या? तुझे तो मैं हमेशा जॉली रहने वाला केके, माइनस को प्लस बनाने वाला पावर, हमेशा अटेंटिव रहने वाला शिवा, तुम तीनों ही मुझे पसंद हो, पर 3 जनों से प्यार नहीं किया जा सकता। प्यार उससे होता है जो तुम्हें समझे। इसका मतलब तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है सौम्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, प्यार कब किससे हो जाएगा कोई नहीं जानता, हमारे बस में नहीं है। हाँ, अगर कोई इंसान मुझे इम्प्रेस कर दे तो अपने आप प्यार हो जाएगा। अगर मैं आपको इम्प्रेस कर दूं तो आप मुझे अपना लेंगे ना? जो क्वालिटीज तुम्हें चाहिए अगर वो मुझ में मिल जाए तो मुझे प्यार करोगी क्या? मान लो वो सब मुझ में हो तो मुझसे शादी करोगी तुम? देखेंगे। मेरी लैक्सी।
मैं तो बहुत पहले ही समझ गई थी कि वो तीनों लोफर तेरे लिए इस घर के चक्कर लगा रहे हैं। आप सही कह रही हैं आंटी, पर अब क्या करें? क्यों ना तुम उन तीनों को हाँ कर दो। आंटी मजाक भी नहीं समझती, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने घर वालों को बता दो। नहीं, बेचारे बहुत मासूम है। वो और मासूम, आस्तीन में तीन सांप पाल रखे हैं, उन्हें घर और जिंदगी से निकाल फेंक। नहीं आंटी, उनकी फीलिंग्स जेन्युइन है। वो निकम्मे जेन्युइन लगे, बड़ी हो गई पर दिल से बच्ची है। अरे आंटी, ये तो भजिए हैं, तेरे अंकल को दे दूंगी। जब भी वो टीवी देखते हैं ना, उन्हें कुछ ना कुछ खाने की आदत है। ये लेक्सी के लिए बनाया है, नॉनवेज है। अच्छा ठीक है, तुम ही रख लो और अपने डॉगी को खिला दो। हाँ मैं चलती हूँ। बहुत ही भोली है ये, मेरी बात नहीं मानेगी तो पछताएगी। ए, बहुत जरूरी बात करनी है बोल के बुला लिया और सुबह 8 बजे दारू डाल के बैठ गया तू। ये कोई जैसी तैसी शराब नहीं है, ये टॉनिक है। टॉनिक जैसे ही ये अंदर जाती है ना, सच बाहर आ जाता है। अपनी लाइफ की कुछ कड़वी हकीकत बतानी है, पी लो। ले भाई। बोलना यार, क्या बात क्या है? ये ले पी। हेलो, मैं प्रिया बोल। हाँ प्रिया, हाँ बोलो बोलो। हाँ तो तुम समझते हाँ, समझ गया हो? प्रिया, पास में जो जवाब दिया उसे फ्यूचर में भी कॉपी पेस्ट कर देना। मेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है और उस लड़की का नाम है सौम्या, मैं उसी के साथ सेटल होना चाहूंगा। हाँ, तुम कुछ बताने वाले थे, बोलो ना। अपना मुंह का शटर खोल दो जल्दी से, बोलो बोलो। बताऊंगा, ठंड रख, एक और राउंड हो जाए। मैं सौम्या को पाने की रेस से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। क्या बोल रहा है यार? सच बोल रहा हूँ। उम्र छुपाने के लिए डाई लगा सकते हैं, लेकिन लड़की के लिए हम दोस्तों को सूली नहीं चढ़ा सकते। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, शोले वाला गाना 300 बार गाया मैंने, लेकिन जब से ये लड़की आई है दोस्ती को दफन कर दिया था। इसलिए अब इस कंपटीशन से मैं VRS ले रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कितनी बार बोला रे, तेरी स्माइल तेरा लकी चार्म है, तेरे सामने मैं टिक नहीं सकता। अब तो तुझे मुझ पर भरोसा भी नहीं है। ए, अचानक से बुला लिया, हमारे लिए ड्रिंक बना रहा है, कंपटीशन से बाहर होना चाहता है। यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सच है यार, हम तीनों एक नंबर के लंगोटिया यार हैं। जब से सौम्या आई है ना, एक दूसरे से नाता ही तोड़ दिया है। हम तो उसे इम्प्रेस करने के लिए एक दूसरे की भुर्जी बनाने लगे हैं यार। वैसे भी सौम्या को मैं अच्छा तो नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ रहूंगा और बाकी की जिंदगी हंसते हंसते काट लूंगा। अरे यार सच बात बताऊं क्या तुझे, इतना बड़ापन मुझ में नहीं। क्या रे, वाह दोस्त, मेरा दिल खुश हो गया है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। हाँ अरे नहीं, लड़की पे खर्च करने के बजाय मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों पर खर्चा करूँ और बहुत बड़ी पार्टी दूँ। गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मैं अपने दोस्तों के लिए अपनी पगार तो क्या, अपनी तिजोरी खाली करने को तैयार। कितने महान हो तुम और कितना सेल्फिश हूँ मैं। तू सिर्फ सेल्फिश नहीं है रे, तू तो एक नंबर की गोल्ड फिश है। बाली उम्र में मर्द रोया नहीं करते। शांत हो जा, स्माइल दे। हाँ ये हुई ना बात, चलो चलते। कहाँ जाना है? आज मंडे नहीं है, आज तो फ्राइडे है। जान नो भी ले जाएगा तो भी चलेगा, कम ऑन लेट्स गो। चलो चलो। यहाँ आना था क्या, पहले बता देता। ए, ये हॉस्पिटल क्यों लेके आया हमको? अरे यहाँ सौम्या आने वाली है। सौम्या यहाँ हॉस्पिटल में? सौम्या को कुछ नहीं हुआ है, उसका जो ढीला भाई है ना वो सीटी निकल गया। अच्छा, हाँ तो? हाँ तो क्या, जब भी वो कुछ बोलता है ना तो शब्द नहीं निकलते। हाँ। पी पी करके आवाज निकलती है। तो क्या करें हम लोग? अरे उस बेचारे पे अपना प्यार लुटाओ, सौम्या को इम्प्रेस करो और क्या। जा, अरे तम्बू जैसा पेट क्या हिला रहा है, जाकर अटैक कर। आजकल स्पेशल इफेक्ट्स का जमाना है और तू दौड़ कर यहाँ तक पहुँचा। मुंह बंद कर अपना। अरे टप्पू तो ठीक है, कैसा है टप्पू? पप्पू कैसे हो तुम? हाँ बेटा, आज इतना मक्खन क्यों मार रहे हैं लोग? ये बच्चा अब दीदी कैसी है ये नहीं बताएगा तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? दीदी कैसी है बता दे। व्हाट अ सरप्राइज, हॉस्पिटल कैसे आना हुआ? बताओगे तो हमें पता नहीं लगेगा। कहीं भी आ सकते हैं। डॉक्टर वो है शिवा और ये है पावर, मेरे फ्रेंड्स हैं। वेरी गुड, तुम जैसे नौजवानों को सोशल सर्विस जरूर करनी चाहिए। हम सौम्या के लिए कुछ भी कर सकते हैं मैडम। ब्लड डोनेट करना केवल सोशल सर्विस नहीं है, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो चलो चलते हैं यार। एक्सक्यूज मी, तुम लोग ड्रिंक करके आए हो? नहीं नहीं। क्या है सौम्या, ड्रिंक करके ब्लड डोनेट करने आए हैं ये लोग? इनका ब्लड नहीं ले सकती। अब तुम सौम्या ऐसे लोगों से दोस्ती करने लगी हो आजकल क्या? इनको बोलो यहाँ से जाने के लिए। डॉक्टर सौम्या, सौम्या जी, दोनों को शरीफ समझती थी पर एक ही पल में
मुझे नीचा दिखा दिया। अब मुझे बताओ मैं डॉक्टर से नजरें कैसे मिलाऊंगी। केके तो तुम्हारा फ्रेंड है ना, उससे ही कुछ सीख लेते। शेम ऑन यू गाइस। सौम्या, ब्लड तो डोनेट कर दिया, फेफड़ा चाहिए तो वो भी देता हूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए तो है। समाज सेवा करना तो मेरे लिए दाढ़ी करने जैसा है, रोज करता हूँ, रोज करता हूँ। तुमने ब्लड डोनेट किया? तो क्या अंदर नर्स के साथ गोटी खेल रहा था? भी तो पी थी ना। अरे टाइम वेस्ट मत करो यार, जाओ 2 लीटर खून बहा के आओ। नहीं केके, ये दोनों शराब पी के आए। ये तो महापाप है, वो तो सुबह 8:30 बजे पी के आए। ये अरे तो संडे पीते थे, अब तो मंडे को शुरू कर दिया। छी, आज तो मंडे नहीं है, फ्राइडे है। क्यों है? कुछ सौम्या, वाइन शॉप इतनी जल्दी खुलती नहीं है, इन लोग ने घर पे स्टॉक रखा होगा, गंदी बात। अरे ये हॉस्पिटल है, यहाँ चिल्लाओ मत। कम से कम यहाँ तो डिसेंसी रखो। प्लीज सौम्या, प्लीज मेरी बात माफ करो मुझे, जाओ यहाँ से। जाओ ना, जाओ 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 जाओ। केके, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चल, यू आर रियली ग्रेट। कैसे पॉसिबल है? हेलो, एक बात याद रखना, सिर्फ बादाम खाने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए। अभी सौम्या ने तुम्हारे बारे में किसी से बात की, क्या कहा पता है? बोली कि तुमसे नफरत करती है। तुम्हारा पत्ता कट गया, यहाँ से सीधे बस डिपो जाओ, वहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ मिलेंगी, जाकर उन पे ट्राई करो। टॉन्ट मार रहा है हमें, ले को आप समझ में आए, हमारी दोस्ती का फायदा उठाए। अकेले ही तुम दोनों का फालूदा बना सकता हूँ, हिम्मत है तो पीछे आओ, पीछे आओ, छोड़ो नहीं केके। आज की तारीख अपनी डायरी में लिख ले तू, जिस तरह से तूने हमें धोखा दिया है, मैं तुझे उसकी नजरों में गिराकर ही रहूंगा। हेलो, मैं तो घर पहुंच गया, किसके साथ बात कर रहा है? केके खामोश हो जा, फोन में घुस के मारूंगा तुझे। पानी से इतना क्यों डरता है तू टप्पू? देख बाकी लोग भी स्विमिंग कर रहे हैं ना वहाँ पे। डराओ मत अंकल। अरे मैं हूँ ना यहाँ पे, डरता क्यों है? कभी डरना नहीं चाहिए, समझा? छोटा था तब से पानी से डर लगता है। अरे मुझे क्यों? नहीं स्विमिंग तेरी उम्र करना। के बच्चे तो क्या स्विमिंग करते हैं, तुझे क्यों डर लगता है? पावर, प्लीज मेरी बात। प्रिया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्या भाई, कोई टेंशन आ गई है क्या? समझ नहीं आ रहा है, सौम्या मुझसे नाराज है, उसे इम्प्रेस कैसे करूँ यार? इम्प्रेस मतलब? इम्प्रेस मतलब उसके दिल के बाइक पे मुझे सवारी। क्या भाई, मैंने 3 शादियां की है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। बोलो यार। दानवीर कर्ण बनना पड़ेगा, गरीबों में कपड़े लत्ते बांटो, फिर वो आपकी फैन हो जाएगी, और हो सके तो 2-4 लड़कियों की शादियां भी करवा देना, फिर देखना सारी लड़कियां आपकी फैन हो जाएगी। बात तो सही है, लेकिन उस केके और शिवा का क्या करूं? उनके चिंता मत करो, वो तो आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। वो किस खेत की मूली है, आप तो बस अपने काम पर अड़े रहो। स्ट्रगलर आशिक है। हेलो, किधर है तू? हिंद महासागर पर कपड़े धो रहा हूँ, आजा तुझे भी धोता हूँ। गुस्सा आ गया, चल आके अटैक करना। वाह 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 वाह, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, तू मारामारी की बात कर रहा है, बस बहुत हुआ। प्यार से जो दिल जीत सकता है वो है केके। कोर्ट केस कर या कत्ल कर डाल, सौम्या तेरी नहीं होने वाली, केस खत्म। केके ऐसे क्यों बोल रहा है यार, मैं तेरे रास्ते में क्यों आने लगा? मैंने तो अपनी बेइज्जती करा ली ना। तो भाड़े पे किसी को सुपारी देगा? कुछ भी बकवास मत कर, तुझे पता भी है पावर क्या कर रहा है? ने ठीक नहीं किया उसके साथ। क्या करेगा वो, अपने टूटे दिल पर मलम लगा रहा होगा। ए, मैं मीठी नींद सो रहा था, जगाने की वजह तो बता। तू बाहर आके देख, तब समझ में आएगा। सुनो सुनो सुनो, दिलों के सम्राट श्री पावर कुमार अपने जन्मदिन पे 108 कन्याओं का विवाह करवाएंगे, 1000 गरीब औरतों को साड़ी और आदमियों को शर्ट। अरे वो ढीले, कितनी भी शादी करवा ले, तेरी शादी नहीं होने वाली। अवश्य पधारे। अरे भाई देखो, सौम्या आ गई। हाय सौम्या। हाय पावर। वेलकम, मेरे बर्थडे पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे पावर। हाँ, थैंक यू। ड्रेस का डिजाइन बहुत अच्छा है। इसका डिजाइनर मैं खुद हूँ। इस ड्रेस का पूरी दुनिया में एक ही पीस है, एक्सक्लूसिव है। रियली दीदी, वहाँ देखो, सेम ड्रेस। भाई बिल्कुल सेम टू सेम, जरूर उन लोगों की कारस्तानी होगी। ये तो ज़ेरॉक्स कॉपी है। अंकल आपने भिखारियों वाली ड्रेस क्यों पहनी है? हेलो एवरीबॉडी, लिटिल स्टार, हैप्पी बर्थडे पम स्टार। पम स्टार।
Stop it! Stop it! It is not my death day. It is my birthday. Change the music and start the rap. Okay? Okay? It's your birthday. Blow up your candles. It's your birthday, birthday. Like for a cake. It's your birthday, mommy. Rhythm and rap. It's your birthday, birthday. We wanna wish you. It's your birthday, mommy. We wanna wish you. It's your birthday. Birthday का केक कट रहा है या गैस का सिलेंडर थोड़ा? पूरा मान गए. अरे मैं तुम्हें नया केक ला दूंगा बेटा, चिंता क्यों करते हो? पावर रो मत. शांति का बर्थडे तो केक ने भी इसके मुंह पर उल्टी कर दी. नहीं नहीं नहीं, बर्थडे समय ऐसे हिलो मत, वरना केक जमीन पे गिर जाएगा और चाटने में शर्म आएगी. मैं चम्मच लेकर आता हूँ, निकाल कर खा लेना. इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये सांप की तरह जबान निकालेगा और खुद ही चाट लेगा. मेरे दुश्मन हो, एक दिन तुम्हारे चेहरे पे काली पहुंच दूंगा. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इतनी सी बात पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारा बर्थडे है, कूल डाउन. ऐसा क्या हो गया? हाँ थोड़ी सी केक ही तो लगी है, दैट्स ऑल. रो मत, ठीक है? डोंट क्राई, मैं साफ कर देती हूँ. ड्रिंक्स पी के थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, पर तुम्हारे दोस्ती तो है और आज तुमने कितना अच्छा काम किया है. रोने की तो कोई बात ही नहीं है. ओहो, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लग रहे हो. यू रियली इम्प्रेस मी पावर, रियली. ये क्या हो रहा है? रोना बंद कर दो, कहानी तो कहीं और ही जा रही है. स्माइल स्माइल, गुड, शाबाश, गुड बॉय. चलती हूँ, बाय. ये रखो, केक में बॉम्ब रखा, उसका रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूँ. ए, लव की फिल्म है, तेरी हीरोगिरी या तेरी बकवास कॉमेडी, ये काम नहीं करती है. फीलिंग्स जगानी पड़ती है लड़की में. तुम जैसे लोग दो टके के कैरेक्टर आर्टिस्ट बनकर रह जाते हैं और लड़की मुझ जैसे हैंडसम को लेकर उड़ जाती है. समझ गया तो? माय केयर. पासा उल्टा पड़ गया रे. पावर को सौम्या से दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. मुझे डर है कहीं वो अपना पैसा दिखा के सौम्या को ना पटा ले. ए, सौम्या कोई आम लड़के नहीं, लाखों में से एक है, आसानी से पटेगी नहीं. पावर के पास बहुत पैसा है यार. अरे पैसों से क्या होने वाला है, जब उसका मुंह ही पके हुए पपीते जैसा है. सौम्या उसे घास कभी नहीं डालेगी. उसको कम मत समझ, पैसा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है. सुनना, एक आइडिया है. उस ढीले का तो एक भाई भी है ना, जिसकी शक्ल हेलमेट जैसी है, उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं. जवान तो क्या, किसी बुढ़िया ने भी उसे सिलेक्ट नहीं किया. अरे मगर उसका और इसका क्या संबंध है? बहुत जोर से संबंध है. उसके पड़ोस में डबल डेकर नारायण रहता है ना, उसकी दो लड़कियां. यू मीन दो आया? यस, और नारायण जिद का गोदाम है. उसने कसम खाई है कि दोनों की शादी साथ ही करवाएगा. अगर किसी भी तरह से हम बड़ी वाली की शादी हेलमेट से करवा दे तो छोटी वाली तो ढीले की होगी ना. हाँ, पर उसके भाई को लड़की पसंद भी तो आनी चाहिए. अरे यार, हेलमेट शादी के लिए तरस रहा है. ऐसी हालत में लड़की तो दूर, लड़की का पुतला भी पसंद आया ना तो उसके साथ भाग जाएगा और भाग के मंगलसूत्र पहनाएगा. बहुत बढ़िया आइडिया यार. ए, बस धीरे धीरे नीचे. ढीला रास्ते से हट जाए फिर मुझे तालाब में डुबा के अपनी सेटिंग तो नहीं करेगा ना. ए, क्या बात कर रहे हैं? अरे जोकिंग रे, चल काम पे लगते. पेपर पढ़ रहा था, बेल बजा के नहीं आ सकते थे? साइकिल थोड़ी चला रहा था जो बेल बजा के आऊं. तो तुम्हें पता चल गया. क्या देख रहा था? मेरी शरारती. हाँ, शरारती. और बताओ क्या खबर है? अच्छा तो काका, हेलमेट की शादी कब करवा रहे हो? हाँ, शादी की इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें बेटा? बुढ़े की जवानी नहीं है, उसको लगता है उसका बेटा छोटा है. अंकल, शादी का खाना कब खिला रहे हो हमको? अरे बेटा, अभी तो इसके खेलने कूदने की उम्र है. काका, इस उम्र में लोगों के बाल बच्चे होते हैं, ये तो टकला हो गया है. दो साल बाद शादी का खाना तो भूल जाओ. इसका क्रियाक्रम करके कौवे को पूरी भाजी खिला देना और तू अपने बापू को भूल जा. झट से लड़की को पटा के शादी कर ले. देखो कैसे शर्म से लाल हो रहा है, देखो ना देखो. अरे कोई लाल नहीं, जल गया है इसका मुंह देख के. मैं क्या करूंगा, ये सर्कस का भालू है क्या? हां मजा रहे, मजा रहे. पास वाले गांव में डबल डेकर नारायण करके एक आदमी है, उसकी दो बहनें हैं. वो कहता है अपनी बहनों की शादी दो भाइयों के साथ ही करूंगा. काका,
बड़ी बेटी की शादी हेलमेट से, छोटी बेटी की शादी ढीले से करवा देंगे। उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा हो सकता क्यों नहीं काका? अब मेरी बात को खोपड़ी में घुसा देना, बहते नल के नीचे बाल्टी घुसेड देना समझदारी वाली बात है। यहाँ तो दो दो बाल्टियाँ हैं, घुसेड दो। क्या बोलता है, शादी के बाद फिक्स कर लेंगे ना? इतना सोच के रहा है बेटा, किसी और से प्यार करता है क्या? अपनी बता, मुझे तो पसंद है। आपको पसंद है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? ये करी ना मेरे बेटे वाली बात। कल सुबह लड़की देखने मैं खुद जाऊंगा, समझे? बड़ी वाली लड़की बड़े के लिए बुक कर देंगे, छोटी वाली छोटे के साथ फेरे लेंगे, दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। एकदम कड़ा, आजा मेरे बब्बर शेर, चला चला मार्वेलस फैंटास्टिक। क्या चाल है? पता है डिक्शनरी रट के आया है, पका मत, जल्दी आई इधर आ। ए केके चल आ मेरे साथ। उठ, अरे ए, ए, और क्या कर रहा है? खुशियों की कब्र खोदने आया? और मेरी बात सुन, छोड़ो छोड़ो, लड़के रहे हो मेरी है, छोड़ो, अरे पागल हो गए, लड़के रहे हो यार, छोड़ना मत, हम लोग दोस्त हैं। अरे बाप रे, तुम्हारे लिए तीनों कबड्डी खेल रहे थे, चलो सुनकर अच्छा लगा। दिल तो कर रहा है तुम्हारे लिए खीर बनाऊं, पर घर में ना दूध चावल शक्कर कुछ भी नहीं है। आंटी मैं सीरियस बात कर रही हूँ और आप मजाक कर रही हैं। उनके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, सबके सब लोफर हैं। एक बार उनसे पूछ क्या लिया कि पी के अपनी जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो, मार मार के मेरे पति को हॉस्पिटल पहुँचा दिया। क्या सच कह रही हैं आप? मैं तो उन्हें बहुत सीधा मानती थी। वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, पर इस मामले में आकर तुम बेसमझ हो गई। तुम इन तीनों को अच्छे से नहीं जानती, तुम्हें पटाने के लिए तुम्हारे ताऊजी और पापा को बुद्धू बनाकर उनसे डांस और म्यूजिक सीख रहे हैं। मुझे पता है, उनसे कह दो कि तुम किसी और से प्यार करती हो, ये जो प्यार का भूत चढ़ा हुआ है ना उन पर, एक ही झटके में यूं उतर जाएगा, देखना। किस सोच में पड़ गई? दया आ रही है? सोच लो, उनका कैरेक्टर चेक करना है तो एक छोटा सा टेस्ट करके देख लो, पता चल जाएगा। करके देखती हूँ। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? अगर ये सब पूछा तो फिर मैं जवाब क्या दूंगी? अगर किसी का नाम बताया तो ये तीनों उसके घर घुसकर उसे मारेंगे। इन तीनों को सबक सिखाने के लिए कोई ताकतवर आदमी चाहिए। क्यों ना हम किसी हट्टे कट्टे पहलवान को ढूंढ ले। कुछ भी आंटी, अब हम पहलवान को कहाँ से ढूंढेंगे? तो किसका नाम ले? बेस्ट चॉइस, हैंडसम, नॉट मैरिड, यंग सुपरस्टार, ये वाला हीरो। हाँ? क्या कहा? शिम्बू, वाह, अगर झूठ बोलने का कंपटीशन होता ना तो तुम्हें डबल गोल्ड मेडल मिलता है। इतना बड़ा सुपरस्टार, इसे कैसे पसंद आ गया है? मैं उन्हें यकीन ही नहीं दिला पाऊंगी। अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता है, मैं नहीं मानती। तुम्हारी उम्र में मैंने 10-10 के साथ चक्कर चलाया था और तुमसे ये तीन बेवकूफ नहीं संभाले जा रहे। अरे आजकल के जमाने में सोशल मीडिया है ना, कहना कि उस हीरो से ऑनलाइन मिली तुम, चैट करते करते उससे दोस्ती गहरी हो गई है, कह देना। राजकुमारी और मेंढक वाला रोमांस तो सिर्फ कहानियों में होता है, क्या उल्लू बना रही है सौम्या। हमें नहीं पसंद करती तो बोल दो ना, ये शिम्बू वगैरह का नाम लेके हमें बेवकूफ मत बनाओ। क्या तुम भी? हा? क्या तुमने कभी फिल्मी मैगजीन नहीं पढ़ी? तुमने देखा होगा कि अक्सर हीरो अपनी फैन से ही आखिर में शादी कर लेता है, तुमने पढ़ा होगा। हा? ऐसी बातें न्यूज में आती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। ये लो, और तुम भी यही कहना कि मुझे हीरो से प्यार हो गया। आंटी इतना बड़ा झूठ? अरे ये सब करने के लिए कहना पड़ता है, और वैसे भी एक हीरो से प्यार करके शादी करने में क्या हर्ज है, सबकी बत्ती गुल हो जाएगी। सौम्या एक बार उसे फोन करो ना, हम बात करना चाहते हैं। वो मैं नहीं कर सकती हूँ, हमारी भी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो कि ठीक हो जाएगी, बट आई एम कमिटेड टू सिम्बू। अब मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करना, मेरा पीछा करना, ये सब छोड़ दो प्लीज। एक मिनट सौम्या, मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो सिम्बू में है? इस ढीले की घटिया कॉमेडी पे ध्यान मत देना। जय, सोच के देखो। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सौम्या, देखो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, ये सब बात करवा दो, ये सब मत करो प्लीज, मैं प्यार नहीं करती, तुम तीनों में से किसी से प्यार नहीं करती।
सौम्या, सौम्या रुको, सौम्या सुनो, सौम्या के लिए अर्थी तैयार कर रहा है, कौन मर गया? डेड बॉडी इज कमिंग। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठो। ए, मुझे शमशान घाट में क्यों लेकर आया है? भाई सुबह से टून हालत में आपको याद कर रहे हैं। ए, के, चार दिन से तू क्लास में क्यों नहीं आया? शराब पी के किसकी अर्थी बना रहा है ये? गुरुजी, मेरे प्रभु अपने शिष्य को आशीर्वाद दो। हर सिंगिंग कॉम्पिटिशन में विजयी भव। या बिशप, या बच्चे, अरे मेरे मुंह और मोटे से पेट तेरा क्या बिगाड़ है? मैं गरीब के पेट पे लात नहीं मारता, लेकिन तुम जैसे को तो मार डालता हूँ। अरे मैं तुम्हारे पास म्यूजिक सीखने आया था, लेकिन जैसे बच्चे को लाठी से मारता है, ऐसे मार मार के सिखाया, गलत है। मुझे जैसे कपड़े धोते वैसे धोया भी था। जवानी में कोई आवाज तुमने मुझे वापस लौटा दी। अरे तुम्हारे मुंह में मिट्टी भर के वापस आवाज बंद कर दूंगा। अरे छोड़ूंगा। मैं संगीत सम्राट कृष्णमूर्ति हूँ, तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते हो। मैं महान संगीत सम्राट कृष्णमूर्ति हूँ, ये मेरा अपमान मत करना, कभी नहीं करना, वरना छोड़ूंगा नहीं। ए, तोड़ डालो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, डीले, इसे अर्थी पे लेटा गए, यही ठीक है भैया, कर्म कर दे। मुझे चलन हो गई है, मोटे से बच गई। अरे किसने इतने सारे ठप्पे लगाए तुम्हारे ऊपर? पोस्ट ऑफिस गए थे क्या? कहाँ गए थे बोलो ना। डार्लिंग, तुम्हारे बदबूदार बालों के लिए गजरा लेने गया था, रास्ते में एक आदमी मिल गया, बोला मास्टर मास्टर आपका स्टूडेंट के शराब पीकर शमशान में आपको याद कर रहा है, सोचा उसे मेरी मदद चाहिए होगी। मुझे पूरी तरह से लाश बना दिया उसने, यह बहुत दर्द हो रहा है। मेरा पति, जिसने भी तुम्हारे हाथ और पांव तोड़े, उसके भी हाथ पांव तोड़ के चूल्हे में डाल दूंगी मैं। चूल्हे में बाद में डालना, पहले गर्म पानी से मेरे जख्म धो दो। अरे मेरे लिए भी गर्म कर देना। पापा, बेटी, आपको क्या हो गया? क्या हुआ ये? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, आप दोनों की हालत किसने की? आपके चरणों की सौगंध। अरे क्या कर रही हो? पैर तोड़ोगी? टूटे हाथ का दर्द टूटे दिल से भी ज्यादा होता है, इन्हें किसी जानवर ने नाश्ते में खा लिया होगा। सवेरे मंदिर से लौट रहा था, रास्ते में पावर मिला, उसने कहा मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, वो मुझे घर बुला रहा था और मैंने मना कर दिया, लेकिन वो मेरे पैर पड़ गया और जबरदस्ती उठा कर ले गया। उसके बाद उसने ए बुड्ढे, डांस सिखाते वक्त बहुत डंडे मारे मुझे, गुरु दक्षिणा देता हूँ तुझे। ए बुढ़ाओ, क्या मैं बुढ़ा? पहले तेरी बेटी ने और फिर तेरे डांस ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, अब तुझे समझाऊंगा मैं और सिखाऊंगा डांस। क्या नहीं बेटा, गुरु को मारना महापाप होता है। हाँ, गया तेल लेने, तेरा तो मैं तेल निकाल दूं। बेटा ये ले हंटर और इसके चितड़े उड़ा दे। ठीक है मेरे बेटा, मैं दिल और शरीर दोनों से नाजुक हूँ,
मार डाला, मार डाला। सौम्या, ये हॉस्पिटल है या घर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये उधर बैठे हैं, ये इधर लेटे हैं। ये सब आपके साथ क्यों हुआ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस गली मोहल्ले में हमारे दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। सौम्या जरा इधर आ, मेरी बात सुन। अरे कोई आ, चिल्लाती रहती है, जल्दी आ। क्या बात है, इन्हें चोट कैसे लगी? इनके रोने की आवाज से मैं टीवी नहीं देख पा रही थी। किसने ये हाल किया इनका और कौन करेगा? पावर और केके ने मिलकर इन दोनों की ऐसी हालत की है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है आंटी, अभी तो सिर्फ पीटा है, पता नहीं गुस्से में आकर किस हद तक जाएंगे ये लोग। उन बुड्ढों के बारे में बाद में सोचो, तुम्हारा भाई कहाँ है? यही कहीं होगा। कहाँ गया टप्पू? टप्पू, टप्पू, सौम्या, मतलब मेरा सपना सच था। अगर इन बुड्ढों का ये हाल कर दिया तो उस बच्चे का क्या हाल करेंगे? वो शिवा है ना, तुम्हारे भाई को बहला फुसला के अपने साथ ले गया। सच में? हाँ। नहीं, ए सौम्या रुक, मैं भी आती हूँ। चली गई। टप्पू, टप्पू, नहीं अंकल, टप्पू, नहीं अंकल, नहीं अंकल, नहीं अंकल, टप्पू, बस बस ऐसे ही, वेरी गुड। टप्पू, कमान कमान, ऐसे ही, वेरी गुड। उस तरफ छू के वापस आ जाओ, शाबाश, लो हाथों हाथों, वेरी गुड। इसी को तो स्विमिंग कहते हैं, ऐसे ही डरते थे पानी से तुम। दीदी दीदी, मैं तैरना सीख गया दीदी। शिवा, चलो शाबाश, आज के बाद पानी से डरना मत, समझे? अब मुझे पानी से डर नहीं लगता है। तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई ना? कुछ नहीं हुआ दीदी। किसी को बताया क्यों नहीं, कितनी डर गई थी मैं, पता है? बिल्कुल मत डरिए, आज के बाद टप्पू बिना डरे स्विमिंग करेगा। थैंक्स अंकल। थैंक्स शिवा। उसने तो मेरी भिखारी जैसी हालत कर दी थी, उसे ऐसे नहीं जाने देंगे। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करते हैं, कुछ बड़ी टॉर्चर दिलवाएंगे, तब मुझे संतोष मिलेगा। नहीं, नहीं, पुलिस में कंप्लेन करने से क्या होगा, एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। हमेशा मुझे रोक देती है। चलो ठीक है। शिवा, तुम गाँव जा रहे हो क्या? अब मैं इन दोनों के साथ घर को कैसे संभालूंगी बताओ। नहीं, नहीं आंटी, मैं गाँव नहीं जा रहा, आपने सामान मंगाया था ना, वही बैग में डाल के लेके आया। चॉकलेट किधर है? दोना अंकल। अरे रुको रुको रुको, लेता हूँ बाबा। दोना अंकल जल्दी, ये लीजिए। थैंक यू अंकल। हाय। हाय सौम्या, क्या हुआ, फेस में डलनेस छाई हुई है? घर पर आते हो पर मुझे इग्नोर करते हो, पता है मुझे इससे कितनी तकलीफ होती है, पता है कि नहीं? देखो मैं सिंबू से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मुझे इतना अवॉइड कर रहे हो ना, पर ये तो गलत है, मुझे खुश नहीं देखना चाहते। आई एम श्योर यही बात है, तुम भी बिल्कुल उन दोनों की तरह ही हो। सुनो, मैं वैसा नहीं हूँ सौम्या। अगर ऐसा ही होता ना तो तुम कुछ और भी करके दिखाते, सिर्फ बातें नहीं करते। नहीं तो मैं तो वही सब कर रहा हूँ, आंटी के लिए, टप्पू के लिए। रहने दो, मेरे लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो तुम। ओके, नेक्स्ट वीक में मेरा बर्थडे है, तुम एक काम करना, मेरे बर्थडे के लिए तुम मेरे लिए गिफ्ट ले आना, जो लाइफ लॉन्ग मुझे तुम्हारी याद दिलाए। आपको जो चाहिए बोलिए, मैं लाता हूँ। वो मैं क्यों बताऊँ, इट्स योर चॉइस, बट वन थिंग, तुम मेरे लिए जो भी गिफ्ट लाओगे ना, मैं उसे लाइफ लॉन्ग अपने पास संभाल कर रखूंगी। देखते हैं तुम्हारी क्रिएटिविटी कहाँ तक पहुँचती है। ओके बाय। नेक्स्ट वीक में मेरा बर्थडे है, तो मेरे बर्थडे के लिए तुम गिफ्ट ले आना, जो लाइफ लॉन्ग मुझे तुम्हारी याद दिलाए। केके, केके, किधर गया वो? वो आजकल यहाँ नहीं रहता, बाहर में जाके ढूंढिए, आजकल वो वहीं मिलता है। Mm-hmm.
हेलो, फ्रेश चिकन चाहिए, 10 किलो भेजना। मेरे बच्चे, तू घर से नाराज होके क्या गया? मेरे बेटे की जिंदगी में अंधेरा छा गया। होगा ही ना, शाम को अंधेरा ही हो जाता है, उसमें मैं बीच में कहां से आ गया? तुम इसका मतलब नहीं समझे, पहले ये तुम्हारे साथ कितना खुश रहता था, अब जरा इसकी शक्ल देखो। एक लड़की के लिए दोस्ती तोड़ेगा? मेरा दिल टूटा है ना, उसे डेंटिस्ट ठीक करेगा या मैकेनिक? बताओ क्या काम है? ए, अपना हाथ दे, आज से तुम लोग पुराने चट्टी बट्टी बन जाओ। ए, चल चुम्मी दे इसे। क्या हुआ? पप्पी बप्पी देने की बात की ना तो बेटा, वो मैं ये। पापा आप चुप रहिए, तुम फिर से दोस्त बन जाओ, उस बात को भूल जाओ, देखो कितना दुखी है, फिर से इसके साथ दोस्ती कर लो। बहुत इज्जतदार खानदान है हमारा और हम दोस्ती ऐसी करते हैं कि जान दे देते हैं। पापा की बात सुनी ना, अब हमेशा याद रखना, हमारा खानदान बहुत ही इज्जतदार है। नीचे बर्फी मेरी फेवरेट है। किधर? कहाँ है? ऊपर आ जाओ, मजाक कर रहा था। कहाँ है? बर्फी टेस्ट ले रहा था, कितना इज्जतदार खानदान है ना, वो देख रहा था। मेरे मासूम बच्चे का ख्याल रखना, ठीक है, मैं चलता हूँ। रास्ते में गिरी हुई बर्फी मिले तो खा लेना, ढीले का भाई ढीला। ये लड़कियाँ हमेशा इतनी बेरहम। चुप रहे ना, रुक जा, वो छोड़ ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ कौन कौन है जिनके दिल टूटे हुए, हाथ खड़े कीजिए। मेरा भी टूटा है। देखा ना तूने, हमारे जैसे बहुत से हैं जिनके दिल रोज टूटते हैं। अच्छा अब ये देख, ए, जिससे प्यार किया उसी से शादी की और उस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसे कौन कौन है? मैं हूँ। देखा ना, समझ ले कि तू बच गया। कैसे समझा? प्यार में फेल हुआ ना, शादी नहीं की मतलब स्माइल करने के लायक है। क्या बताऊँ तुझे, 3 रातों से नहीं सोया। कैसे, दोपहर को सोता है क्या? भेजे में सौम्या ही घूमती है। ए, भेजा मत खाना यार। ए, देखो कौन आया, हीरो बनता था ना, बनता था हीरो, बन गया जीरो, हो गया बंटाधार। चुप उसकी यारी। ए, चुप रहे ना। क्या रे, पड़ोसी के यहाँ राशन पहुँचा दिया या उनके घर से भंगार लेकर बेच आया? ऐसे क्यों बात करते हो तुम लोग? ए, गंदा मुंह बंद कर, हम लोग विलन बन गए हैं और तू शराफत की बीन बजा। प्यार में नाकाम होने के बाद गुस्सा आता ही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके बाप को और उसके चाचा को पकड़ के मारोगे। कितने नीच हो तुम लोग। जरा सोच के देखो ना यार, हमें छोड़कर इस शहर में सौम्या का और कौन है यार? अगर सौम्या चाहती तो तुम लोगों की पुलिस कंप्लेन कर सकती थी, मगर नहीं की उसने। देखा कितना बड़ा दिल है उसका, तुम्हें अब भी फ्रेंड्स मानती है वो। कैसा लग रहा है? बंदर लग रहा हूं। कल से केले खाना शुरू कर दे, खुद को पहचान ही लिया। ए, सीरियस बात कर रहा हूँ, तू क्या मजाक कर रहा है यहाँ पे? ए, मुझसे चाहता क्या है? सुना, अगले हफ्ते सौम्या का बर्थडे यार, उसे ऐसा गिफ्ट देना है जो उसे जिंदगी भर याद रहे। 50-50 रुपए जमा करके एक घड़ी दे देते। नहीं यार, अगर हम उसके प्यार सिम्बू को उसके बर्थडे पर लेकर आ जाए तो? रे, वो कोई पुतला थोड़ी है यार कि उसको पार्सल करके उसके घर पहुंचाएंगे। दिमाग वाली बात कर यार। ये कोई गिफ्ट हुआ? ऐसा गिफ्ट तो जो याद रखे वो। हाँ, सौम्य ने खुद बताया है दोनों के बीच कुछ अनबन है। सच्ची? वही तो प्रॉब्लम है, सिम्बू को किसी तरह मना के उसके बर्थडे पर लेकर आए, बहुत अच्छा सरप्राइज होगा, फिर तो दोनों बात करेंगे ना, लड़ाई खत्म हो जाएगी। प्यार करते हैं यार। सुन, तंजावुर में उसकी शूटिंग चल रही है, गाड़ी पे चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके, लेट्स गो, टेक लेते हैं, रेडी, स्टार्ट कैमरा। अरे गौतम, मिल लेते हैं। कट, सर जी, एंड एक्शन। कट कट कट। ए वेंगट, अरे भगाओ, अरे भगाओ भाई, भगाओ, व्हाट्स हैपनिंग हियर? सर प्लीज 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 प्लीज, जाइए, अरे जाइए यहां से, ले जाओ इन्हें। रेडी फॉर टेक, रेडी रेडी टेकिंग। डायरेक्टर साहब, ready, field clear, start camera, by 12, take 2, and action. कौन है ये लोग? सर, फाइट सीन भी करना है। कौन है ये लोग? सुबह से आपके लिए खड़े हैं, आपके फैन है जोकर्स। ठीक है, पूछे क्या चाहिए इन्हें। ओके, सर 2 मिनट बात करनी है सर। ओह सॉरी, बैठिए ना। थैंक्स। अरे अंकल आप क्यों खड़े, बैठिए। अरे यार बैठना, बैठिए। सर, सौम्या के बारे में बात करनी थी। सौम्या? कौन है ये सौम्या? सर, लवर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नई बात तो है नहीं,
अब उसके लिए आप बोलेंगे सौम्या कौन है, तो ये तो ठीक नहीं है सर। देखो भाई, आए दिन मीडिया किसी का भी नाम किसी से भी जोड़ देती है, लेकिन मेरा अलग अच्छा है कि मैं अभी तक इससे बचा हुआ हूँ, इसलिए एक नया रूमर फैला कर प्लीज कोई स्कैंडल मत खड़ा कर देना। सर, सोशल मीडिया पे आपकी चैट हुई थी। सोशल मीडिया? हाँ, पहले बात हुई फिर झगड़ा हुआ। देखिए, सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, शायद किसी ने मेरे नाम का मिसयूज किया होगा। सर जी, वो जाने अनजाने आप पर जान छिड़कती है, प्यार करती है आपसे, इसलिए हम तीनों आपसे बात करने आए हैं सर, समझिए ना सर। ये बताइए मुझसे क्या चाहते हो? उससे शादी कर लो ना, अच्छी लड़की है सर। मैं शादी करूं? सर, मम्मी पापा से डरते हैं, मैं रिश्ते की बात करने आ जाऊंगा। ये ढीले मार खिलाएगा क्या? सर जी, आप यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, बिजी हैं, तो रजिस्टर वाले को यहीं बुला लेते हैं ना, लोकेशन पे ही मामला सेट हो जाएगा। जगह ना, हम ले चलते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। प्रिया, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, ही प्लीज लीव मी अलोन। क्या हुआ, लोन देने वाले का फोन था क्या? तुझे पता है ना मैंने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया है, लेकिन सौम्या ने फर्स्ट टाइम मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या आदमी है, अकल ही नहीं है। अरे केके, बेचारी सौम्या यार, किसी तरह सिंबू से मिलवाना पड़ेगा हमें उसे। ए, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? उसको सौम्या से प्यार व्यार नहीं है, और सौम्या भी किसी और से प्यार करती है, बस हम तीनों को कहानी सुना दी ताकि हम गुमराह हो जाए। सुनना, सौम्या के बारे में उल्टा सीधा मत बोल, मैं उसे यहाँ से प्यार नहीं करता, यहाँ से करता हूँ यार। उसके लिए सिंबू ही ठीक रहेगा, वो हीरो है, स्टार है, हम लोग क्या है यार। क्या हीरो? चुटकी बजाते ही हीरो बन सकता हूँ। एक लड़की का हीरो बनने की औकात है क्या तेरी? थोबड़ा देखा है अपना, हीरो बनने की बात कर रहा है। फिल्मों में जाऊंगा मैं, स्टार बनूंगा मैं, चिम्बू का मार्केट खत्म कर दूंगा मैं, समझा तू? देख ले, सपने देख ले, कुत्ता काटेगा तब समझेगा। ए, तेरी जीभ में छेद कर दूंगा, फिर उल्टा सीधा कुछ बोल नहीं पाएगा। सुनो यार, इसका एक ही आइडिया है, सिंबू को किडनैप करते हैं और सौम्या से मिलवा देते हैं। मैं तेरे साथ हूँ भिड़ू। फिर से बोला, तेरे मुंह में कुछ घुसेड़ता हूँ। रुक, ये क्या, ये मंद बुद्धि, ये कोई पिक्चर चल रही है क्या? और सिंबू कोई स्कूल का बच्चा है क्या? सिंबू का फैन है या फिर उससे तेरी फटती है? बोल 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 बोल। बहुत डर लगता है जब तुझे करीब से देखता हूँ। फट्टू को बोल जा मैं तेरे साथ हूँ। के, मान जाना यार। हाँ ठीक है, मैं तेरी बात मान रहा हूँ, लेकिन इस ढीले को बीच में मत लाना, इसके काम बिगाड़ने में PhD है, मैं तेरी मदद करूंगा। शाबाश। वो सब तो ठीक है, मगर तमिलनाडु में सिंबू को किडनैप करेगा कौन हमारे लिए? ए, एक आदमी है। हाँ? कौन यार? कौन? वही यार, अपना कोल एडी। एडी। नमस्ते भाई, मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा मैटर था। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। कोई मरने वाला है, जरा उसे गुड बाय कर दूं। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। बहुत तेज है, काट दो रस्सी। मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। आजा आजा। आ गया आ गया। स्वागतम स्वागतम, तुम तो सुबह आने वाले थे। दूध वाला हूँ जो सुबह आऊंगा। आदमी एक ही स्टेज है, कान पे कारपेट बिछाया है। सुन भाई, कोलावरी डेविड यहाँ का डॉन है और ये उसका एजेंट है। कोलावरी डेविड का एजेंट? तू कोलावरी डेविड को नहीं जानता क्या? नहीं, नहीं, नहीं। डॉन भी ढीला होगा इसीलिए इसको रखा है। अरे भाइयों, ये शहर मंदिरों के लिए फेमस है, लोग यहाँ पूजा करने आते रहते हैं, पर हमारी पूजा थोड़ा अलग है। हमारे लिस्ट में बहुत से आइटम्स हैं, डराना धमकाना, किडनैप करना, हड्डियाँ तोड़ना, या फिर डायरेक्ट मर्डर करके किस्सा खत्म कर देना। तुम्हें तो पता है पावर। खत्म करना है और नहीं तो क्या, चल एक बार भाई से बात करूं। ये पागल है, इतनी छोटी सी बात के लिए तू भाई को डिस्टर्ब करेगा? ज्यादा सोचने का नहीं, कर डालने का। लेकिन इस बिरयानी में से गटर जैसी बदबू आ रही है, भाई ने कहा नहीं फेंकने का, क्या करूं? ए, गली के बाहर जाके फेंकना, वो बुढ़िया रहती है उसके घर के आगे मत फेंकना, ये तो सुबह सुबह गालियां देगी। अरे ओ, ये तो बुढ़िया से डर रहे हैं, मेंढक को भी किडनैप नहीं कर पाएंगे। ये बात उसके सामने मत बोलना। ठीक है, मेरे लिए एक बिरयानी मंगवा दो। ए, कौन है रही? चुप रहे, किडनैपिंग वाला क्लाइंट है। ओहो, डेविड भाई, कोई आपसे मिलने आया है?
437 आधा आदमी आधा भालू दिख रहा है और खाने वाले नूडल सर पे क्यों चिपका है यार, क्यों मरवा रहा है? हाँ ठीक है ठीक है, हाँ फोटो लाए हो? पूरा सीडी ले आए हैं। अकेले आ भैया? क्या हुआ? आदमी किडनैप होने के बाद ठीक ठाक से तो रखोगे ना? ब्रदर चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लड़का उठा के लाते हैं, तुम लड़की को तैयार रखो, कल मुहूर्त अच्छा है, शादी करवा देते हैं। हेलो ठीक है, हाँ, कौन? गुंडे हैं अच्छा? भाई देखो सगाई की सारी तैयारी हो चुकी है, बस तुम जल्दी आ जाओ, आते समय दो फूलों की मालाएं जरूर लेते आना। हाँ चिंता मत करो। क्या चिंता मत करो, बाप की अर्थी उठ रही है क्या? कल मेरे और मेरे भाई की सगाई है। लड़की सेट नहीं हुई तो इंटरनेट से ही ढूंढ लिया क्या? चुप करना, कौन है लड़की यार? डबल डेकर नारायण की बेटियां, देर करते तो वो भी हाथ से निकल जाती। लोग चोरी छिपे वरमाला करते हैं, तू तो हलाल कर रहा है मेरे भाई। शुभ शुभ बोलो यार, कल मेरी सगाई है। उसे सुली चढ़ा दिया। ए, कैसे दोस्तों यार, कल मैं सगाई करूंगा तो तुम लोगों का होना बहुत जरूरी है। कल सुबह आशीर्वाद देने आ जाएंगे। बोलना थोड़ा अर्जेंट है। डेविड भाई ये प्यार का मामला है, पहले किडनैप करना है, उसके बाद लड़का और लड़की की शादी करवा देनी, वेरी सिंपल। पार्टी कैसी है, पैसा मिलेगा ना? बस इधर दोनों की शादी हुई कि पैसे हाजिर। ए, चला। अरे तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? गलत सीडी दे दी शायद, फोन करके पूछ ले। हाँ अभी करता हूँ। अरे भाई। हेलो। आपने मुझे जो सीडी दी है उसमें तो सिंबू के गाने हैं, उठाना किसे है? सिंबू को उठाना है। सिंबू को उठाना है भाई। क्या रे मजाक चल रहा है क्या? सुपरस्टार सिंबू को उठाना है? कन्नड़ा हीरो राजकुमार को नहीं उठवाया, अखबार पढ़ता है कि नहीं? कहीं का देखकर दिमाग चकरा गया। क्या रे फालतू लोगों को लेकर आता है मेरे पास, टाइम पास चल रहा है क्या यहाँ? अरे भाई पावर बड़ी पार्टी है, मेरी बात मानो, लव का मैटर है, जो भी डिमांड करोगे मिलेगा, मुझे माफ कर दो। कहाँ मिलेगी वो लड़की? चलिए शुभ काम शुरू कीजिए, जोड़ी हमेशा बनी रहे। हीरोइन नंबर वन, हीरोइन नंबर टू, हीरो नंबर वन, हीरो नंबर टू। अरे ये पिपुड़ी बन करवा यार। हाँ तो डबल डेकर नारायण, हर बात में आप डबल हैं। सब्जी की दुकान से धनिया मिर्च उठा लिया जो फ्री में भी कोई उठाता नहीं था। ये सब ईश्वर की कृपा है, सब ईश्वर की कृपा है। आपकी तो लॉटरी लग गई। होने वाले चीजों के दादाजी हैं क्या? देखो देखो कैसे शर्मा रहा है। ए, तेरा थोबड़ा क्यों लटका हुआ है यार? वो आज सौम्य और सिंबू मिलने वाले हैं ना? भूल जाना, जो स्टेशन निकल गया उसको छोड़ दे। यहाँ देखना, जोकर नंबर वन और जोकर नंबर टू की शादियाँ हो रही हैं, पूरे शहर का एंटरटेनमेंट हो रहा है, तू भी एंजॉय करना, क्यों मुंह फुला के बैठा है? प्रिया आज मेरी शादी है, आज तो मुझे बख्श दो, प्लीज फोन रखो। के सौम्या को नहीं भूल पा रहा, अगर अगर मेरी बेटी हुई तो उसका नाम मैं सौम्या ही रखने वाला हूँ। अगर बच्चा पैदा हुआ तो रखेगा ना। क्या हुआ, मेरा छोटा लाडला क्यों दुखी है? शादी करने का मन नहीं है क्या तेरा? गौर से देख, दिखने में सिर्फ बुढ़ा है लेकिन गोटी खेलने में नंबर वन है। बेटा अगर दुखी है तो खुद शादी कर सकता है। काका टेंशन मत लो, पहला एक्सपीरियंस है ना। हाँ समझाता हूँ उसे, शगुन की थाली लाओ। हेलो बेवकूफ आदमी, जिस लड़की के लिए तू सिंबू को किडनैप करवा रहा था वो लड़की मेरे कब्जे में है, 10 लाख लेकर चुपचाप मेरे पास आ जा। और हाँ पुलिस के पास जाने की गलती की तो भूल जाना इस लड़की को, समझा मेरी बात? मर गए यार, सौम्या को उठा के ले गए। क्या बोला तू? सौम्या किडनैप हो गई है, चलो चलो। ये क्या, अरे मेरी शादी क्या हो रही है?
फ्लाइट जा रही है, लेट्स टेक सिंबू, आर यू रेडी? स्टार्ट कैमरा। अरे छोड़ो छोड़ो आने दो। भाई क्या समस्या है आप लोगों की? जब उससे प्यार था तो उसके आगे पीछे तुम हिलाकर घूमते थे, पर जब आज वो बेचारी इतनी मुसीबत में है तो किसी और का सहारा ले रहे हो। खुद को किसी के काबिल हो ये साबित करके दिखा दो, और ये मौका आज ऊपर वाले ने तुम लोगों को दिया है। जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है ना, वही असली हीरो होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम लोग बस हार जाओगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि तुम लोग पीठ दिखाकर भाग गए। शेर हो तुम लोग। शिवा। अरे डेविड वो लोग आ गए। अरे आ गए तीनों लोग। पैसे लाए हो क्या? ओके फाइटर्स रेडी। ए तुम्हें से पूछ रहा हूँ पैसे किधर हैं? पैसे लाओ। पंच। इस बार पैर। क्या कर रहा है? आया तब से चिल्ला रहा है। क्या हो गया यार? अरे रोकड़ा कहाँ है बताओ ना। फाइटर दिन दहाड़े सपने देख रहा था क्या? अबे यार किधर है पैसा? पैसा किधर है बताओ ना मुझे। अरे पैसे देते क्यों नहीं? अरे लगता है ये पागल हो गया। अरे बीच में से हट जाना चाहिए ना। सोमिया तुम ठीक तो हो ना? जल्दी से खोलो। पहले तुझे ही खलास करता हूँ। अरे ये क्या कर रहा है? छोड़ छोड़। शिवा। सोमिया। बहुत दर्द हो रहा है क्या सौम्या? सॉरी सौम्या, हमारी वजह से तुम्हें कितना प्रॉब्लम हुआ। तुम्हें अगर कुछ हो जाता ना तो मैं तो मर जाता सौम्या। हमारे लिए शिंबू को कितना समझाया हम लोगों ने, उन्होंने आने से मना कर दिया। शिवा मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। शिवा सौम्या आई लव यू। शिवा आई लव यू। Ha ha ha!
हमने बाजी मार ली। बस फाइट करके मजा आ गया। तेरा भी पत्ता कट हो गया, सौम्या ने मेरा भी पत्ता कट कर दिया। कॉमेडियन बनकर रह गए, हीरो नहीं बन सकते। चल हमारी तो विकेट डाउन हो चुकी है, कुछ नहीं होगा हमारा। कुछ भी बोल रहा है। हम कॉमेडियन हैं, हमारी पेमेंट नहीं बढ़ने वाली है। प्रिया से ही सेटिंग करता हूँ। हेलो प्रिया, आज क्यों नहीं फोन काटा? आज फोन नहीं काटूंगा तुम्हारे लिए, मेरा दिल धड़क रहा है। आई लव यू प्रिया। आई लव यू अमित। प्रिया मैं पावर बोल रहा हूँ। ढीले है, कम से कम मुझ पर कॉमेडियन का टैग लगा हुआ है। तू ना हीरो ना कॉमेडियन ना विलन बन पाया, तू तो ट्रेजेडी मास्टर है रे।